वेलकम टू जीनियस आईएएस हिट सीरीज जो हमने शुरू की है स्टेट सिविल सर्विसेज और यूपीएससी को खास ध्यान में रखते हुए, उसमें आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम एमसीक्यूज के द्वारा जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे अलग अलग एग्जाम्स में यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में आए हुए हैं, उनको लेकर के हमने ये सीरीज शुरू की है और आने वाले एचसीएस एग्जाम में या किसी भी स्टेट सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज ये है, जहां पर हम वो क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिए, स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए और खास करके आने वाले एचसीएस एग्जाम के लिए, हमने उन क्वेश्चंस को पिक किया है और उन क्वेश्चंस के द्वारा सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है वो जो इंपॉर्टेंट है। हम ज्यादा ध्यान, ज्यादा मेहनत अगर हम थोड़े से टॉपिक को लेके करें तो आराम से पास होने लायक मार्क्स हम ला सकते हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनका एक कलेक्शन इकट्ठा किया और उसके हिसाब से हम एमसीक्यूज को करा रहे हैं और वहीं से पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे हम यहाँ से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम इसका पार्ट थ्री करेंगे। दो पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं जो आपने हमारे यूट्यूब लेक्चर पर देखे होंगे और आपको पसंद आए होंगे, तो उसी में यह थर्ड पार्ट है जहां पर हम आगे की चीजें जो हम पॉलिटी अभी हमने शुरू की हुई है तो पॉलिटी में आगे की चीजें हम करेंगे। यहाँ पे हम आज के पार्ट में जो हम शुरू करने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आज हम करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी आज हम करेंगे और स्पेशल फीचर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, हर बार उसमें से एक क्वेश्चन पिक करते हैं और वो लेते हैं। तो आज भी हम हमारे इसमें से जो स्पेशल फीचर है यूनिटरी और फेडरल फीचर, उनमें क्या डिफरेंस होता है तो वो भी हम करेंगे। बेसिकली फेडरल फीचर हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से हैं तो वो भी हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। देन इसके बाद हम आज के लेक्चर में प्रेसिडेंट को कवर करेंगे, प्रेसिडेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, वाइस प्रेसिडेंट से इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं वो कवर करेंगे, गवर्नर की इंपॉर्टेंट चीजें हम कवर करने वाले हैं, देन इनकी पावर्स को भी हम आज कवर करेंगे इंक्लूडिंग एमरजेंसी पावर, एमरजेंसी प्रोविजंस जो हमारे हैं तो वो भी हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे। प्लस इसके साथ साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम हमेशा पढ़ते हैं और जिससे क्वेश्चन हर बार आता है, जो जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के नाम से जानते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये सारे टॉपिक आज के इस लेक्चर में हम आज खत्म करेंगे। आज के इस लेक्चर में जो भी डेढ़ से दो घंटे का जो लेक्चर होगा उसमें हम ये सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। तो आपको इनको रिवीजन के लिए अगर आप बुक लेके बैठे तो कम से कम पूरा एक दिन या ज्यादा दिन चाहिए होता है, जो हम डेढ़ से दो घंटे में कवर कर लेंगे एमसीक्यूज के माध्यम से। इनके जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिर्फ हम वही करेंगे। तो जैसा हमारा फॉर्मेट रहता है, ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप अपनी स्क्रीन को पॉज कर लेना, इस वीडियो को पॉज कर लेना और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि आप एक बार ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते चलें जो मैं बताता जाऊंगा। तो जिनको आता है वो एक बार पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें और हम इसको सॉल्यूशन के हिसाब से या फिर आगे पॉइंट्स के हिसाब से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज, जो हमारे डीपीएसपी या फिर जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्यों के दिशा निर्देशक तत्व जिसे हम कहते हैं ये कहते हैं। इससे दो तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला चीज, डीपीएसपी से आता क्या क्या है, जब कोई टॉपिक होते हैं तो उसमें से आता क्या क्या है वो हमें पता होना बड़ा जरूरी है। डीपीएसपी से आने वाली जो इंपॉर्टेंट चीजें, सबसे पहले तो इसके आर्टिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से, मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। या फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर नॉट देयर इन द डीपीएसपी, यानी डीपीएसपी के अंदर क्या क्या प्रोविजंस है वो हमें पता होने चाहिए। तीसरी चीज, डीपीएसपी के मेन फीचर्स क्या हैं वो हमें पता होना चाहिए। और चौथी चीज, डीपीएसपी से अगर हम इसको कंपेयर करें फंडामेंटल राइट्स का क्या डिफरेंस है दोनों में तो वो हमें पता होना चाहिए। ये चार चीजें हमें पता हैं तो ऑलमोस्ट हम डीपीएसपी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और इन्हीं चीजों को हम देखेंगे और इन्हीं चीजों को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, ध्यान रखना कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन दी कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट किस पार्ट में है, कहां पर है तो वो हमें पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्या वो डीपीएसपी में है या फोर्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। शेड्यूल्स हम सारे पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स में है,
या फिर प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है। मेरे ख्याल से सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, डीपीएसपी हम आज पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर आप देखने की कोशिश कीजिए। जिसको टाइम चाहिए वो वीडियो पॉज कर सकता है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे डीपीएसपी के अंदर है। ये एग्जामिनर का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर स्टेट की जो एक हमने ऑब्जेक्टिव देखा है वो कहां देखा है, कौन से पार्ट में देखा है, कहां लिखा हुआ है। तो वेलफेयर स्टेट हमारे डीपीएसपी के अंदर है, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ जो बहुत जरूरी चीज है, हमने पार्ट्स शेड्यूल्स तो हमने पढ़े, पार्ट्स भी साथ के साथ रिवाइज करते चलो। पार्ट्स भी साथ के साथ रिवाइज होने चाहिए। सबसे पहले हमने पार्ट वन पढ़ा था, जहां पर आर्टिकल वन से लेके फोर तक, जहां यूनियन एंड स्टेट थे। पार्ट टू सिटीजनशिप से रिलेटेड है। पार्ट थ्री इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, लिख लीजिए। पार्ट थ्री हमारा फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद का हमारा जो पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट फोर, जिसे हम डीपीएसपी बोलते हैं या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, ये आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। पार्ट टू आप बताएंगे कहां से कहां तक, पार्ट थ्री हमें आप बताएंगे कि कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है। इसका क्वेश्चन हमने किया था अगर आपको याद हो तो। डीपीएसपी पार्ट फोर आर्टिकल 36 टू 51 है। ये हमें बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में पता होनी चाहिए। वेलफेयर स्टेट कहां पर है, डीपीएसपी में है। और इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन ये आप कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा जाता है। आजकल स्टेट पीसीएस भी थोड़ा सा इवॉल्व हो गए यूपीएससी की तरह पे, एक ही क्वेश्चन में तीन चार स्टेटमेंट पूछते हैं। तो उनमें से एक स्टेटमेंट हो सकता है कि वेलफेयर स्टेट एज ए कॉन्सेप्ट इज गिवन इन दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इज दिस सेंटेंस करेक्ट और नॉट? तो आप क्या लिखेंगे इसमें कि हाँ ये सेंटेंस सही है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। इन चीजों में से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी क्या चीज है जो फंडामेंटल है टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री? तो ये हमें कैसे पता लगेगा? तो आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फंडामेंटल राइट ड्यूटी डीपीएसपी या फिर फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आपने सॉल्व किया होगा, बिल्कुल सही है। इसका आंसर आएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये क्यों है? क्योंकि हमारा आर्टिकल 37 क्लियरली लिखता है, क्या लिखता है कि हाँ डीपीएसपी जो है नॉन जस्टिसिएबल है, आप इनको लेके कोर्ट्स नहीं जा सकते। लेकिन कोई भी स्टेट जब कोई भी लॉ बनाता है तो उसे डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए बनाना पड़ेगा। और इसीलिए आर्टिकल 37 में ये वर्ड यूज किया गया है कि दीज आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल कौन से में है? 37 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सिर्फ उन्हीं को ही पिक किया है जो बहुत बार रिपीट होते हैं, जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसे मैंने बताया एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि इनमें से ऐसा कौन कौन सा प्रोविजन है जो डीपीएसपी में है, या दूसरा हो सकता है कि इनमें से कौन सा प्रोविजन है जो डीपीएसपी में नहीं है। तो डीपीएसपी के प्रोविजंस, फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस, फंडामेंटल ड्यूटीज के प्रोविजंस हमें पता होने चाहिए क्या क्या है। इसमें क्या पूछ रहा है कि इनमें से डीपीएसपी के अंडर कौन सा है? तो एक बार ऑप्शन पढ़ेंगे। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। तो इनमें से कौन सा सही है? आप पॉज करके जो आंसर देना चाहे दे सकते हैं। चलिए हम चलते हैं आगे। तो हमें अगर फंडामेंटल राइट्स याद हो, ये हमारा फंडामेंटल राइट था, कौन सा आर्टिकल था आप बताएंगे? ये हमारा फंडामेंटल राइट था, कौन सा आर्टिकल? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो हमने एक केस के ऊपर भी बात की थी। ये भी हमारा फंडामेंटल राइट था, लेकिन ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ठीक है, ये तीन कौन कौन से हैं ये आपको बताने हैं आर्टिकल, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के मैच द फॉलोइंग में आर्टिकल्स पूछे जाते हैं।
और जो पूछे जाते हैं मैं उसी के लिए ही बार बार आपसे कहता हूं कि आप बताएंगे ताकि आप उसको रिवाइज करें और उसको ढूंढें, वो आपके आपकी चीज जो आपके दिमाग में चली जाए, आप अच्छे से उसको याद कर पाए। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को गलत करना हम एग्जाम में अफोर्ड नहीं कर सकते। ये छोटी छोटी गलतियां हमें हमारे स्कोरिंग पॉइंट से दूर कर देती हैं, हमारे हम जो पॉइंट आता है जहां पर जिससे ऊपर आप पास हो जाते हैं उस पॉइंट से हमें उतना ही दूर ले जाती हैं जब हम ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इन्हें गलत करना अफोर्ड हम नहीं कर सकते। तो कट ऑफ के ऊपर जाना है तो छोटी गलतियों को अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये पता होना चाहिए, ये तीनों फंडामेंटल राइट हैं। कौन से आर्टिकल हैं बताएंगे आप हमारे कमेंट बॉक्स में, कौन कौन से आर्टिकल हैं यहाँ पर, और ये हमारा डीपीएसपी के अंदर आता है, ठीक है। जिसको आर्टिकल पता है वो लिख सकता है, बाकी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा मतलब बहुत पहले एक बार पूछा गया और जिसकी पूछे जाने की संभावना स्टेट पीसीएस में बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। ये क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर डीपीएसपी एज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहां पर चार चीजें दी हैं, ये चारों ही डीपीएसपी के अंदर है, चारों ही डीपीएसपी के अंदर है। क्या क्या है, सिक्योरिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज, देन उसके बाद सिक्योरिंग फॉर ऑल वर्कर्स रीजनेबल लेजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज। ये चारों डीपीएसपी में हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या रहा है, क्या रहा है कि इनमें से विच ऑफ द अबव आर गांधियन प्रिंसिपल्स दैट आर रिफ्लेक्टेड इन द डीपीएसपी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह का कोई डिविजन नहीं किया हुआ किसी भी तरह का, लेकिन जब हम अलग अलग प्रोविजंस को पढ़ते हैं डीपीएसपी में उनको हम अलग अलग तरीकों से देखते हैं। वो क्या देखते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, पहले आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, जिन्होंने सॉल्व किया बहुत अच्छी बात है। अगर हम देखें इनमें से गांधीयन प्रिंसिपल हमारा एक तो विलेज पंचायत है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, टू एंड थ्री। वैसे तो हमारे संविधान में कोई डिविजन नहीं। क्वेश्चन आता है क्या हमारे संविधान में, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। आंसर आएगा नो, कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह का डिवीजन नहीं करता। ये हमने अपनी सहूलियत के लिए, ये हमने उनके विचारों को अलग करते हुए कि ये आइडिया किस चीज से मैच करता है तो हम उस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, क्लियर है। तो कुछ चीजें जो हमें लगती है कि गांधीयन फिलॉसफी से इंस्पायर्ड हैं, वो हमने गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर रख दी, ठीक है। तो तीन तरह की चीजें वैसे आपको बेसिकली आपको मिलेंगी, एक तो गांधीयन प्रिंसिपल, दूसरा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल जो सोशलिस्टिक हैं थोड़े से, और तीसरा हमें मिलेंगे लिबरल इंटेलेक्चुअल जो थोड़े से मॉडर्न आइडियाज हमें लगेंगे। तो हमने इस तरीके से तीन हिस्सों में डीपीएसपी को अपने हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड नहीं करता है, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी तरह का डिवीजन नहीं करता। अगर स्टेटमेंट में ये आ जाए कि ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत इज वन ऑफ द गांधीयन प्रिंसिपल दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी गांधीयन प्रिंसिपल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अलग अलग आर्टिकल लिखे हुए हैं, उनको हम अपनी सहूलियत से कहते हैं कि हाँ ये गांधी जी के फिलॉसफी से इंस्पायर्ड हैं, तो गांधीयन प्रिंसिपल है। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ अलग से कि ये गांधीयन प्रिंसिपल है, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है और ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। ये हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से किए हुए हैं, ठीक है। तो गांधीयन कौन कौन से, वो ये है, जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो मैंने उसी हिसाब से अलग अलग करके रखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हमारा टू एंड थ्री इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट। ये भी मैंने बताया था एक इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में क्या क्या डिफरेंसेस है, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो ये चार स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा हमें बताया जा रहा है कि दोनों में अलग है, ठीक है। तो कौन सा सही आंसर होगा, आप एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फॉर्मर इज फॉर यूनियन गवर्नमेंट एंड लेटर इज फॉर गवर्नमेंट, ठीक है। फॉर्मर क्या है, डीपीएसपी के, डीपीएसपी तो यूनियन गवर्नमेंट के लिए है, लेकिन फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट के लिए। क्या ऐसा कुछ है, नहीं, ऐसा कोई डिवीजन नहीं है। फंडामेंटल राइट्स हमारे ज्यादातर सिटीजन के लिए होते हैं, पता है हमें,
डीपीएसपी गवर्नमेंट के लिए है, यूनियन और स्टेट दोनों हो सकती है, क्योंकि इंडिया तो एक है ना, स्टेट गवर्नमेंट भी उसी के अंदर आती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का भी वही कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसीलिए सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट, कोई तुक बनता नहीं है। फॉर्मर इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर इज लेटर इज नॉट, बोल रहे हैं डीपीएसपी तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है लेकिन फंडामेंटल राइट है नहीं। कैसा है? अगर नहीं है तो हमने पार्ट थ्री में क्या पढ़ा था, तो पार्ट थ्री कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, अगला देखते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल वेयर इज फंडामेंटल राइट कैन बी एनफोर्स्ड, ये बिल्कुल सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एनफोर्सेबल नहीं होते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल और वो एनफोर्सेबल भी होते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो हम एक लिस्ट में बना लेंगे और वो हमें पता होना चाहिए। जब भी कोई पूछे दोनों में डिफरेंस, तो वो डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। चौथा है डी, नन ऑफ द अबव। कैसा है? नहीं, हमारा सी आंसर सही है। तो क्या डिफरेंसेस इन सब में? तो डिफरेंसेस हमें पता होने चाहिए फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में। जो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, सबसे पहले फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल यानी जिस चीज के लिए जस्टिस मांगने आप कोर्ट्स में जा सकते हो। डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है यानी आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये एनफोर्सेबल है, ये नॉन एनफोर्सेबल है, ऑटोमेटिकली एनफोर्स्ड, नॉट ऑटोमेटिकली एनफोर्स्ड। क्लियर है? उसके बाद यहां पर हम दो तरह के जस्टिस की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या पूछा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिक जस्टिस या सोशल जस्टिस की बात कहां पर की गई है? तो ध्यान देना, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस की बात डीपीएसपी के अंदर की गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर की गई है। तो फंडामेंटल राइट में कौन से जस्टिस की बात की है? पॉलिटिकल जस्टिस प्लस सिविक जस्टिस या फिर सिविल जस्टिस। पॉलिटिकल प्लस सिविल जस्टिस की बात की गई है फंडामेंटल राइट में, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस की डीपीएसपी में। ठीक है, इतना डिफरेंस पता है। ये लीगल सैंक्शन होता है, इसमें नहीं है, मतलब एनफोर्सेबल ये है ये नहीं है, ये जस्टिसिएबल है ये नहीं है, ये पता होना चाहिए हमें। ठीक है, अगर ये तीन चीजें ही पता है तो आप सॉर्टेड हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो तीन चीजें लिख लेना, फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल, डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल। ये पॉलिटिकल जस्टिस और सिविल जस्टिस की बात करता है, ये इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस की बात करता है। ये ऑटोमेटिकली एनफोर्स हो जाते हैं, ये नॉट एनफोर्सेबल है। ठीक है, ये हमारे पार्ट थ्री में आते हैं, ये हमारे पार्ट फोर में आते हैं। ये आर्टिकल 12 से 35 है, ये आर्टिकल 36 से 51 है। इतना कर लिया, बहुत डिफरेंस पता होगा। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें, डीपीएसपी आ रहे हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ये तीन स्टेटमेंट आप एज इट इज याद कर लेना, जो डीपीएसपी के बारे में पूछी जाती है। पहली, वेलफेयर स्टेट कौन सा करता है पता होना चाहिए। उसके अलावा ये तीन स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी के बारे में। पहली चीज क्या है कि डीपीएसपी का सोर्स क्या है, हमने डीपीएसपी कहां से कॉपी किए? तो ये हमने किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, जो ब्रिटिशर्स एक्ट लेके आए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें एक सेक्शन था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वहां से हमने डीपीएसपी को कॉपी किया। ठीक है, तो क्वेश्चन आए डीपीएसपी को कहां से लिया गया है, ये हमें पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ये इंडिया में इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस या इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी लाने की बात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। और तीसरी, ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, ये भी बात हम पढ़ चुके हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने तीनों अलग से लिख दी है, तो ये रट लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, देन उसके बाद हम हमारे डीपीएसपी को तीन हिस्सों में बांटते हैं, सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लासिफाइड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं डिवाइड करता, ये हम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इनका ऐसा कोई डिविजन नहीं है, ये डिफरेंस पता होना चाहिए जब हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं। सबसे पहले सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, जिन्हें हम सोशलिस्टिक करते हैं तो वो कौन से हैं? तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप मेरे साथ पढ़ेंगे, इनके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप लिख लेंगे कहीं ना कहीं। हालांकि ये जो पीडीएफ है ये भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन आप खुद से लिखेंगे तो बहुत बेहतर होगा। ठीक है, पहले आर्टिकल 38 जो
वेलफेयर ऑफ दिस पीपल की बात करता है जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। इसके साथ साथ ये एक और चीज की बात करता है कि हम इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करेंगे। क्या करेंगे कि लोगों के बीच में जो इनइक्वालिटीज हैं उसको कम करने की कोशिश करेंगे। ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था मिनिमाइज इनइक्वालिटीज, ये हमने बाद में जोड़ा है बाय 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978। ठीक है, आर्टिकल 39 ये भी इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये हमारा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। ठीक है, देन उसके बाद एक और है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन, कि हमें एक किसी लोगों के हाथ में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होने से बचाना है। और उसके बाद हमें जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं सोसाइटी के उन्हें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करना है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, क्या डिफरेंस है हम हमारी क्लासेस में इसको बड़ा डिटेल से पढ़ाते हैं। ठीक है ना, आपको क्या करना है बस इतना सा पता है कि 39 क्या रिलेटेड है। हालांकि जो आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 38 बहुत इंपॉर्टेंट है, 39A इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया। क्या है? प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड कौन से अमेंडमेंट से आया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत हमने बनाया नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नालसा एक्ट के द्वारा आया, इसी से बना सालसा, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। फ्री लीगल एड पुअर को देना है, ये हमने बाद में लेके आए। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 41 हमारे तीन तरह के राइट की बात करता है, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। किनको? वो लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं, ओल्ड एज हैं, सिक हैं, डिसेबल हैं, और बाकी सिटीजन्स को क्या करना है? राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। ठीक है, ये बात करता है। तो ये आर्टिकल 41 इंपॉर्टेंट हो जाता है। 42, 43 थोड़ा बहुत एक बार नजर मार लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, तो इनको आप स्किप भी कर सकते हो। देन उसके बाद हमारा 47 इंपॉर्टेंट है। 47 क्या है? रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। मिड डे मील की लोगों में लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाना है, उनको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करना है और उनके पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करना है, तभी हेल्थ पे इतना खर्चा करती है सरकार, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना, इनको तो रट लेना, बाकियों को पढ़ लेना। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा उस हिसाब से। अब हम चलते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स के, जो गांधीयन फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है। वो सोशलिस्टिक थे, ये गांधीयन है। गांधीयन प्रिंसिपल में बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, 43 प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, दोनों इंपॉर्टेंट है मैच द फॉलोइंग के लिए, पता होने चाहिए। और 43B भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अमेंडमेंट से आया है। क्या अमेंडमेंट है? 97th अमेंडमेंट ऑफ 2011। क्या है? अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये अमेंडमेंट से आया 97th अमेंडमेंट से। तो ये आर्टिकल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 46 भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 46 कहीं ना कहीं रिजर्वेशन से रिलेटेड है, जो आर्टिकल 15 और 16 से रिलेटेड है हमारे फंडामेंटल राइट के। ठीक है, तो प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC/ST एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, 46 इंपॉर्टेंट है। 47 भी गांधीयन प्रिंसिपल है। क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। दारू के ऊपर बैन लगाते हैं ना, लिकर के ऊपर, वो इसी आर्टिकल से इंस्पायर होकर लगाते हैं। 48 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउज गर्ल्स एंड अदर मिल्च। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या हो जाता है? ये वाले ऊपर वाले चार, 40, 43, 43B और 46 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 47 पता होना चाहिए, DPSP है एग्जैक्टली। आर्टिकल पता हो नहीं पता हो कोई फर्क नहीं, DPSP क्या क्या है सारे पता होने चाहिए। आर्टिकल एग्जैक्टली कौन कौन से याद है वो इंपॉर्टेंट,
मैंने लगा दिए हैं, ठीक है। देन उसके बाद 44, ये हमारे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, मॉडर्न आइडियाज के ऊपर जो बेस्ड है हमारा आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पता ही होना चाहिए आर्टिकल, ठीक है। इनकी बहुत सारे ट्रिक्स अवेलेबल हैं, और सबसे बेस्ट ट्रिक होता है आप इनको बार बार रिवाइज करके पढ़ा, अपने आप याद हो जाएंगे। 44 क्या है, 4 इक्वल टू 4, दोनों यूनिफॉर्म है, दोनों तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, तो इसीलिए याद हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हो अपने मन में। 45 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी अमेंडमेंट हुआ है। आज के टाइम पे हमारे पास एक फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A है। क्या है ये आर्टिकल 21A? राइट टू एजुकेशन। ये राइट टू एजुकेशन कौन से अमेंडमेंट से आया था? 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002। वो पहले जो स्टेटमेंट वहां पर है कि हमें, क्या स्टेटमेंट है वहां पर, कि हमें 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, वो चीज पहले यहां लिखी हुई थी 45 में, लेकिन अब उसे चेंज कर दिया क्योंकि ये तो फंडामेंटल राइट बन गया, तो यहां पर कुछ और लिख दिया। क्या? कि जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं उनसे छोटे बच्चों का, 6 साल से छोटे बच्चों का ख्याल हमें रखना है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। 6 साल से छोटे बच्चों का ख्याल रखना है तो वो डीपीएसपी है, और 6 साल से 14 साल फंडामेंटल राइट है कि उन्हें एजुकेशन देनी है, क्लियर है। 48 क्या है? ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीन आर्टिकल इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बल्कि मैं कहूंगा कि यहां से 1, 2, 3 और 4 ये आर्टिकल पता होने चाहिए, 48 और 49 पता होने चाहिए कि डीपीएसपी में। 49 क्या है? मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट, वो जो हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनका प्रोटेक्ट करना, उनकी प्रोटेक्शन, वो हमारे डीपीएसपी और स्टेट की जिम्मेवारी है। ऐसी एक ड्यूटी भी है, ध्यान रखना, जब ड्यूटी आएगी तो ध्यान रखना, ऐसी इसी तरह की एक ड्यूटी भी है, तो दोनों में कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो यहां पर प्रोटेक्ट है, वहां पर क्या वर्ड है? प्रिवेंट है, ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना कि कौन सी ड्यूटी और कौन सी डीपीएसपी है। लोग अक्सर, मतलब एग्जाम में अगर हम देखें तो इसी तरह के सेंटेंस दे के पूछे जाते हैं कि ये डीपीएसपी है या फिर फंडामेंटल ड्यूटी है, क्योंकि दोनों बहुत मिलते जुलते हैं, तो वहां पर आएगा, तो वो भी हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 50 बहुत बार पूछा गया है, सेपरेट जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने की बात करता है आर्टिकल 50, और ये बेसिक स्ट्रक्चर का भी एक पार्ट है, उसको भी हम पढ़ेंगे आज। आर्टिकल 51 भी बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाता है कि डीपीएसपी में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ाने की बात करता है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ाने की बात आर्टिकल 51 में की जाती है, क्लियर है। हमारे डीपीएसपी इसी के साथ कंप्लीट हो जाते हैं, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो डीपीएसपी का कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्लियर है चीजें। चलो अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करके फिर इसके बेसिक समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका? प्रोविजंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर वर एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड प्रोविजंस किसकी रिकमेंडेशन पे ऐड किए गए थे? बलवंत राय मेहता कमेटी, अयंगर कमेटी, सरदार सोहन सिंह कमेटी, ठक्कर कमीशन। तो पॉज करके जिसको आंसर देना दे दीजिए। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने सही बताया होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, इनको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा। कौन सा अमेंडमेंट था ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या ऐड हुआ ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई वो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी, जिनके रिकमेंडेशन पे की गई थी। इन्होंने रिकमेंड किया था 8 ड्यूटी ऐड कर दो, लेकिन हमारे संविधान में टोटल 10 ड्यूटी ऐड की गई। लेकिन पूछा जाएगा कि आज
हमारे संविधान में कितनी ड्यूटीज हैं, तो टोटल 11 ड्यूटीज हैं। एक और ड्यूटी ऐड हुई कब, 86 अमेंडमेंट ऑफ 2002, जो राइट टू एजुकेशन वाली थी ना, वहां पर ड्यूटीज लगा दी पेरेंट्स की। आर्टिकल 21A में क्या बोला कि 6 से 14 साल के लिए फ्री एजुकेशन है, कंपलसरी है। वहीं पर एक ड्यूटी भी ऐड कर दी पेरेंट्स के लिए या गार्जियंस के लिए कि 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल में भेजना जरूरी है, आपके लिए आपकी ड्यूटी है कि आप उन्हें पढ़ने भेजें। तो ये 11वीं ड्यूटी थी जो ऐड की गई थी। सरदार सरन सिंह कमेटी ने 8 रिकमेंड की थी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए। टोटल जब फर्स्ट अमेंडमेंट, या फर्स्ट बोल रहा हूँ सॉरी, जब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया तो 10 ड्यूटी हमने ऐड की थी, एक बाद में ऐड की 86 अमेंडमेंट के द्वारा। आज हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, लिख लेना, इंपॉर्टेंट। किसकी रिकमेंडेशन पे, सरदार सिंह कमेटी। कौन थी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने इनको बोला कि लोगों को हमने सिर्फ राइट दिए हुए हैं, ड्यूटीज की तो बात कोई नहीं करता, तुम जाओ और पता करके आओ कौन कौन सी ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो ये आए 8 ड्यूटी इन्होंने बताई, लेकिन इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 10 ड्यूटी की। कौन सा अमेंडमेंट था उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते हैं क्या क्या है, कौन से अमेंडमेंट से की गई, किसकी रिकमेंडेशन पे की गई, कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। बस अगर ये 3 क्वेश्चन पता है, फंडामेंटल ड्यूटीज खत्म। तो ये क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन पार्ट 4A। पार्ट 4A क्या है, पार्ट 4 क्या था, डीपीएसपी। 4A क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। जहां पे भी कैपिटल ए दिखाई दे, स्मॉल ए है यानी वो पहले से था कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई भी चीज कैपिटल में है यानी वो बाद में जोड़ी गई है। 4A, ए कैपिटल है, ये बाद में जोड़ी गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से हमारी कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, यानी 3 है, चौथी नहीं है, कौन सी नहीं है वो आप बताएंगे। तो पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। पहली, रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग। दूसरी, प्रमोट स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंग्स पीपल ऑफ इंडिया। तीसरी, रिस्पेक्ट ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स। चौथी, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। तो कौन सी नहीं है, ये नहीं है, टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर, ऐसी कोई ड्यूटी हमारे यहां नहीं लिखी हुई। तो सी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। बाकी है, हाँ बाकी है। अब फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें कर लेते हैं। पहली चीज, इसको कब जोड़ा गया, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। CAA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इंदिरा गांधी ने ड्यूटीज जोड़ी। किसकी, किसके रिकमेंडेशन पे, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। पिछला क्वेश्चन पढ़ चुके हैं तो वो नहीं लिख रहा हूं। कितनी ड्यूटीज जोड़ी, 10 ड्यूटीज। उसके बाद प्लस एक और हुई, कब हुई, 86th अमेंडमेंट 2002। आज टोटल कितनी है, 11। क्या जोड़ा 42nd अमेंडमेंट एक्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक तो पार्ट 4A जोड़ दिया, पार्ट 4 तो था पहले से डीपीएसपी, पार्ट 4A नया चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जोड़ दिया, ठीक है। उसके अलावा कौन से आर्टिकल में जोड़ा, तो आर्टिकल कहां तक है, डीपीएसपी 51 तक है, 51 के बाद जगह नहीं थी तो उन्होंने क्या किया, 51A कर दिया। 51A, आर्टिकल 51A में सारी फंडामेंटल ड्यूटीज लिख दी। कौन कौन सी ड्यूटीज है, ये सारी ड्यूटीज है, ये 11 है, ये 11वीं हमने ऐड की है, इसलिए ब्रैकेट में लिख भी दिया है, एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार नजर मार लेना बस, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, जो याद करने की जरूरत हो बता दूंगा, इनको याद नहीं करना, बस नजर मारना, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ ये आएगा कि इनमें से कौन सी है और कौन सी नहीं है, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं, बस नजर मारना है और आपको ध्यान में आना चाहिए उनको देख के कि हाँ ये तो थी और ये नहीं थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पहला क्या है कि हमें हमारे जितने भी नेशनल आइडियल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है। दूसरी, हमें जो आइडियल्स जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो हमारे नेताओं ने देखे थे उन्हें चेरिश एंड फॉलो करना है, उन्हें फॉलो करना है। हमें
हमारे देश की सॉवरेंटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करना और प्रोटेक्ट करना है, बचा के रखना है. सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट. उसके बाद हमें हमारी कंट्री को डिफेंड करना है, और जब भी देश सेवा के लिए बुलाया जाए तब हमें जाना है एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन एवर कॉल्ड अपॉन टू डू सो. ठीक है. देन उसके बाद हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल, इसको प्रमोट करना है. उसके साथ साथ डिग्निटी ऑफ वुमेन, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो डिग्निटी ऑफ वुमेन को हार्म करे, डिग्निटी ऑफ वुमेन को हार्म करे, ऐसा कोई काम नहीं करना. ठीक है, तो ये भी ड्यूटी है. उसके बाद टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री एंड कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, हमारे कंट्री के कंपोजिट कल्चर को, यहाँ की हेरिटेज को प्रिजर्व करना है और इसको उतना मूल्य देना है. ठीक है, इसका इतना ही ख्याल रखना है. देन उसके बाद टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक एंड रिवर्स. ठीक है, 49 आर्टिकल से रिलेट कर पाए, वहां क्या वर्डिंग थी, यहां क्या वर्डिंग थी, डिफरेंस पता होना चाहिए आपको. आठवां है टू डेवलप साइंटिफिक टेंपर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. जिनको ये चीजें नहीं पढ़नी है, जिनको पता है, वो इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है. ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे. देन उसके बाद टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस, मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूं ताकि आपका जल्दी जल्दी एक बार रिविजन भी हो जाए. ठीक है. देन उसके बाद टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, सो दैट नेशनल कॉन्स्टेंटली राइजेस, नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट. कि हमें अपने आप को इतना ज्यादा, अगर हम कहें, इंप्रूव करना है कि कहीं ना कहीं वो देश को मदद करें हायर अचीवमेंट को अचीव करने में. ठीक है, तो हमें इस तरफ कोशिश करनी है, खुद की, खुद को एक्सेल करना है अलग अलग फील्ड में. और लास्ट वाला मैंने आपको बता ही दिया कि ये ड्यूटी है पेरेंट्स की, गार्जियंस की, 8, 6 से 14 साल के बच्चों को उस स्कूल भेजें पढ़ने के लिए. ठीक है, तो हमारी 11 ड्यूटी हो जाती है. ठीक, चलिए, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज खत्म हो गई. अब हम एक फीचर की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम फेडरल फीचर की बात करते हैं. तो हमें पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, हर एग्जाम में आपके नीचे लिस्ट दे दी जाएगी क्वेश्चन में, और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से यूनिटरी फीचर्स हैं और कौन से फेडरल फीचर्स हैं. तो ये क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, इनमें से इंडियन फेडरलिज्म का कौन सा फीचर नहीं है. पहला स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें, देयर इज एन जुडिशियरी इन इंडिया. सेकंड, पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स. थर्ड, द फेडरिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा. और फोर्थ हो जाएगा, इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग फेडरिंग यूनिट्स इंडिपेंडेंट. तो जिसको सोचना है पॉज करके सोचिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए, मैं बता देता हूं आंसर. ठीक है, चलो, जुडिशियरी इंडिया में है, हाँ है, ये हमारे इंडियन फेडरलिज्म का एक फीचर है. इंडियन फेडरलिज्म में मैंने ये नहीं पूछा कि फेडरल फीचर कौन सा है. ठीक है, मैंने पूछा इंडियन फेडरलिज्म का कौन कौन से फीचर्स है, फेडरल फीचर कौन सा है वो नहीं पूछा हुआ. तो इंडिया में क्या क्या है वो चीज हमें बतानी है. तो हमें पता है कि इंडिया में जुडिशियरी है, हाँ है. हमारे यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट में पावर्स को डिवाइड किया गया है, हाँ किया गया है. कौन सा शेड्यूल था कोई बताएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कौन सा शेड्यूल है जिसमें पावर्स को क्लियरली डिवाइड किया गया है. फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा. राज्यसभा में जो फेडरेटिंग यूनिट अलग अलग स्टेट है उनको अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, क्या ऐसा है, हाँ है. यूपी की सीट्स बहुत ज्यादा है, गोवा की कम है, तो अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है. कौन से शेड्यूल में राज्यसभा की सीट एलोकेशन है, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएंगे. ठीक है, लास्ट है, दिस इज एन रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग फेडरेटिंग यूनिट्स इंडिपेंडेंट. नहीं, ये जो फीचर है ये यूएसए के फेडरलिज्म का है. अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ा हो ध्यान से, तो दो तरह के फेडरल स्ट्रक्चर होते हैं, एक कमिंग टुगेदर, एक होल्डिंग टुगेदर. एक तो कई सारे स्टेट आपस में एग्रीमेंट करके इकट्ठे हो जाएं, और एक होता है एक यूनियन हो और यूनियन के पास पावर हो, अलग अलग स्टेट को बनाती है. जब कई सारे स्टेट एग्रीमेंट करके एक साथ इकट्ठे हो जाएं, वो फीचर हमारे यहाँ नहीं है, वो यूएसए का फीचर है. यूएसए के अलग अलग स्टेट्स ने
आपस में एग्रीमेंट किया हुआ है कि हम साथ रहेंगे, हम सब एक स्टेट की तरह काम करेंगे और हमारा पूरा कलेक्टिव नेम होगा यूएसए, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में यूनियन को सारी पावर है। स्टेट्स आकर, स्टेट्स ने आकर के इंडिया को नहीं बनाया, इंडिया में से स्टेट बने हुए, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, तो डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारे इंडियन फेडरलिज्म का कोई पार्ट नहीं है, ऐसा कोई फेडरलिज्म हमारे यहां पे नहीं है जहां स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ हो, ठीक है। तो ये यूएसए का पार्ट है, तो डी आंसर हो जाएगा। एक और इसका देख लेते हैं, जो जनरली पूछा जाता है क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिटरी एलिमेंट इन इंडियन फेडरल सिस्टम। इंडियन फेडरल सिस्टम में यूनिटरी एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। यूनिटरी एलिमेंट कौन सा होता है, फेडरल एलिमेंट कौन सा होता है। यूनिटरी एलिमेंट कौन सा होगा, जो सेंटर की पावर को मजबूत करते हैं, वो यूनिटरी एलिमेंट है। और फेडरल एलिमेंट कौन सा होगा, जो सेंटर की पावर को कम करके स्टेट्स में बांटते हैं। समझ में आया डिफरेंस दोनों में। फेडरल एलिमेंट वो है जो यूनियन की पावर को कम करके स्टेट्स के अंदर बांटे, और यूनिटरी क्या होगा, जो पावर को सेंटर को दे और सेंटर की पावर को ज्यादा मजबूत करे। क्लियर है, सेंटर का होल्ड जहां पर ज्यादा मजबूत हो वो यूनिटरी पावर्स होते हैं। अब आपको बताना है कि इंडियन फेडरल सिस्टम में इनमें से कौन सा यूनिटरी एलिमेंट्स बताएंगे। चलो, पहला डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, जुडिशियल रिव्यू, ऑल इंडिया सर्विसेज, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। इनमें से आपको समझ में आना चाहिए कौन सा सेंटर को ज्यादा पावर दे रहा है और कौन सा सेंटर की पावर को डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है। पहला, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पावर का डिसेंट्रलाइजेशन यानी पावर को बांट देना, पावर बट रही है तो ये यूनिटरी है, फेडरल है, फेडरल है, दिस इज नॉट ए यूनिटरी फीचर। तो पहली बात, तो जहां जहां वन है वो हटा दो, एक आउट हो गया। दूसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, रेजिडेंट, यानी ये पावर किसके पास है, सेंटर के पास। तो यानी सेंटर की पावर है, सेंटर अपने आप को मजबूत कर रहा है, सेंटर अपने यहां से किसी स्टेट को अपॉइंट कर रहा है, स्टेट में किसी हेड को अपॉइंट कर रहा है, यानी सेंटर की पावर मजबूत होती दिखाई दे रही है, तो ये यूनिटरी पावर है। अगला, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, तो ये क्या हो जाएगा कि राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है अगर वो इक्वल है, यानी सभी स्टेट्स की पावर इक्वल हो जाती, यानी स्टेट्स में पावर का डिवीजन सही हो जाता, लेकिन स्टेट में पावर का डिवीजन अनइक्वल है, यानी कहीं ना कहीं फिर यूनियन की चलेगी, तो यहां पर ये भी हमें यूनिटरी यूनियन की दिखाई देगी, ठीक है। देन उसके बाद जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू किसकी पावर है, जुडिशियरी की पावर है, और जुडिशियरी की पावर, अगर जुडिशियरी को हमने कोर्ट को ज्यादा पावर दे दी, यानी सेंटर कुछ भी गलत करेगा तो हम कोर्ट जा सकते हैं, जा सकते हैं, यानी सेंटर की पावर कम हुई है। इससे सेंटर की पावर कम हो गई तो ये तो हो नहीं सकती, तो फोर को भी हटा दो, फोर को हटा दिया तो ये भी गया, ये भी गया, और टू तो है ही, तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया, है ना, क्योंकि यहां टू नहीं है, तो टू, थ्री और पांचवा है ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज ये भी यूनिटरी पावर है कि जो स्टेट में जितने बड़े बड़े ऑफिसर हैं उसको सेंटर अपॉइंट करेगा। ऑल इंडिया सर्विसेज का एक मेन फीचर है कि सेंटर सेलेक्ट करेगा और वो उन ऑफिसर्स को स्टेट में भेज देगा कि तुम जाओ स्टेट में सर्व करो और जब हम बुलाएंगे वापस आ जाना, तो सेंटर की पावर मजबूत होती दिखाई देती है, तो ये भी यूनिटरी पावर है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या हो जाता है, द्विपक्षीय, यानी कि दो दो सदन, लोकसभा राज्यसभा। राज्यसभा स्टेट्स को डिनोट करती है, यानी स्टेट्स का ख्याल रखने के लिए हमने एक हाउस बना दिया, तो यानी कि स्टेट्स को पावर दी, तो ये तो फेडरल फीचर हो जाएगा, तो ये तो यूनिटरी नहीं है, तो 2, 3 and 5 हमारा आंसर हो जाएगा। अभी बहुत ज्यादा डिटेल में इसको समझाने का टाइम नहीं है, आपको मैंने अलग से इनके फीचर्स दे दिए हैं। यूनिटरी कौन कौन से हैं, फेडरल कौन कौन से हैं, सॉरी ये फेडरल हैं और ये यूनिटरी फीचर्स हैं इंडिया के। इंडिया में फेडरल फीचर्स ये हैं, दो गवर्नमेंट है, यूनियन में सेंटर में, सॉरी यूनियन में और स्टेट में, डिवीजन ऑफ पावर हो रखी है कौन से शेड्यूल में, मैंने आपसे पूछा हुआ है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, बाइकैमरलिज्म, ये सारे फेडरल फीचर्स हैं। ठीक है, ध्यान रखना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड कहीं भी यूज नहीं किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम अपने आप को बोलते जरूर हैं वी आर ए फेडरल कंट्री, लेकिन हमने हमारे संविधान में अपने आप को कहीं पे भी फेडरेशन या फेडरल वर्ड लिखा नहीं है। हमने इसकी जगह आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये मैं ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका हूं आपको। ठीक है, ये यूनिटरी फीचर है, स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, ऑल इंडिया सर्विसेज और इमरजेंसी प्रोविजन। अगर आप दिमाग लगा के भी कर पाओ तो ऑटोमेटिकली बहुत आसानी से सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सोचना है, सोचना किस तरीके से वो मैंने आपको बता दिया। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है क्रोनोलॉजी ऑफ द केसेस, कि पहले कौन सा केस हुआ, उसके बाद कौन सा केस हुआ, उसके बाद कौन सा केस हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन केसेस में जो मुख्य बात थी, एक एक बात आपको पता होनी चाहिए, मेन बात, तो उन केसेस की मुख्य बात वो क्या थी। बस ये दो क्वेश्चंस आपको पता है तो आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है। और ये ऐसा टॉपिक है कि हर साल आपको एग्जाम में दिखाई देते हैं, हर साल आपको एग्जाम में दिखाई देते हैं, तो इसलिए इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज इन द कॉन्स्टिट्यूशन या इन द पॉलिटी। ठीक है, तो क्या है, दो क्वेश्चन है, एक ये देखेंगे और एक ये देखेंगे, और इससे हम समझने की कोशिश करेंगे बेसिकली। ठीक है, एक तीसरा जो क्वेश्चन जो आजकल बन रहा है कि इनमें से कौन सी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर हैं, कौन सी नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर कौन बताता है, इंपॉर्टेंट है, अभी उसके बारे में बात करेंगे। जो भी मैं बात बोल रहा हूं वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन के माध्यम से पूछी जा सकती है, ध्यान रखना। तो उन सबको नोट डाउन करते चलो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ही सिर्फ आपको करा रहा हूं, डिटेल में चीजें नहीं करा रहा हूं। ठीक है, कर पाएंगे आप, चलिए अभी आगे देखते। ये क्वेश्चन आता है, पहला, इन शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद केस में बताना इनमें से बेसिकली कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा नहीं है। तो पहले शंकरी प्रसाद केस की बात हुई, तो शंकरी प्रसाद केस है, थोड़ी देर में आएंगे, पहले क्वेश्चन देखते हैं, जिसको आता है उसको सॉल्व करने दीजिए। ठीक है, तो पॉज करके आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इन शंकरी प्रसाद केस, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड पार्लियामेंट कैन टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। शंकरी प्रसाद केस में कहा गया कि पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को ले सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, यानी आपके फंडामेंटल राइट खत्म किए जा सकते हैं। क्या ऐसा कहा गया था, देखेंगे, चलिए आगे देखते हैं। इन गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट रिवर्स्ड इट्स अर्लियर स्टैंड। सुप्रीम कोर्ट ने अपना पिछला स्टैंड रिवर्स किया और यह कहा पार्लियामेंट कैन नॉट एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ दीज राइट्स, कि पार्लियामेंट किसी भी राइट को, किसी फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकती। तीसरा, प्रेजेंट पोजीशन इज सच द पार्लियामेंट कैन टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट। और तीसरी बात करता है कि आज की सिचुएशन यह है कि पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को नहीं या ले सकती, कैन टेक अवे। तो पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। जी बहुत बच्चों ने इसका सही बताया होगा। मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आने से पहले बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को एक्सप्लेन करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और लेंगे और उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर की सारी चीजें समझेंगे, फिर से इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एमर्ज्ड एज एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से कौन कौन सी चीजें जो अलग अलग जजमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड किए हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? तो क्या वो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी है? क्या वो हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं? प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस, और लास्ट, वेलफेयर स्टेट एंड आइडियल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। इनमें से कौन कौन सी बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड की गई है, किसके द्वारा, ये भी एक क्वेश्चन है, बाय द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो वीडियो पॉज कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए जिसे पता है।
ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और फिर उसके बाद हम इस पे आएंगे। ये मैंने डिटेल दे दी है, पीडीएफ आपको मिल जाएंगी एक एक चीजें, लेकिन मैं इसके थ्रू ना करके मैं इसको इस डायग्राम के थ्रू करूंगा ताकि आप इस डायग्राम को देखें और आपके हर एक डाउट क्लियर होते चले जाए। सबसे पहली चीज तो आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। सबसे पहले केस कौन सा हुआ था? शंकरी प्रसाद केस, उसके बाद हुआ सज्जन सिंह केस। इन दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी अमेंड कर सकती है। क्या बोला दोनों में, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस में, कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट भी चेंज किए जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद ये ईयर भी ध्यान रखना, 1961 शंकरी प्रसाद, 1965 सज्जन सिंह केस, उसके बाद 1967 गोलकनाथ केस, इसमें पूरे ऑर्डर को रिवर्स कर दिया गया। क्या बोला कि पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा किस केस में बोला गया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। तो यहां पर गोलकनाथ केस ऐसा था जिसमें बोला गया कि पार्लियामेंट आपके फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकती, उन्हें नहीं अमेंड कर सकती। क्लियर, दो केस में नहीं बोला कि नहीं पार्लियामेंट कर सकती है, फंडामेंटल राइट चेंज करो अमेंड करो, मर्जी है पार्लियामेंट की, लेकिन गोलकनाथ में बोला कि नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट को आप चेंज नहीं कर सकते। फिर इसके बाद हुआ दो तीन अमेंडमेंट बेसिकली, ठीक है, ये भी आ जाते हैं कि इनके बीच में कौन से अमेंडमेंट हुए, 24, 25, 29, ये तीन अमेंडमेंट हुए, इसके ऑर्डर को रिवर्स करने की कोशिश की गई अलग अलग अमेंडमेंट के द्वारा, कि जो कोर्ट ने बोला हम ये अमेंडमेंट ले आते हैं, उसके बाद कोर्ट इनवैलिड हो जाएगा, बोलो कोई बात नहीं, उसके बाद फिर अलग केस आता है। इसको बहुत डिटेल में अगर हम इसको करने लगे तो कम से कम 2-2.5 घंटे का टॉपिक है, तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। इसके बाद फिर केशवानंदा भारती केस होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपकी पॉलिटी के लिए और आपके इंडिया कंट्री के लिए भी। इस 1973 के केस में केशवानंदा भारती केस, जिसे हम बोलते हैं 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 को इसका जजमेंट आया था, और इसमें बेसिक स्ट्रक्चर एक नई चीज बन के आई थी। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर वो आइडियाज जिनको ध्यान में रखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ, वो बेसिक स्ट्रक्चर हैं। इसमें बोला गया कि पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर सकती है, पार्लियामेंट कैन चेंज एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट बेसिक फिलॉसफी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड और कैन नॉट बी चेंज्ड। पार्लियामेंट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं, बेसिक पार्ट हैं, बेसिक फिलॉसफी है, पार्लियामेंट उन्हें चेंज नहीं कर सकती, बाकी पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर सकती है। यानी पार्लियामेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा हुई कि आप ये चेंज नहीं कर सकते, इसके अलावा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी सीक्वेंस याद होगी और इंपॉर्टेंट जजमेंट याद हो गए क्या क्या थे। ठीक है, और इसके बाद कुछ चीजें और हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ चीजें और हमें पता होनी चाहिए। क्या इसके बाद भी दो तीन केसेस हैं? पहले शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ, 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट, 29th अमेंडमेंट, और उसके बाद केशवानंद भारती केस 1973। उसके बाद आपको ये दो चीजें और पता होनी चाहिए, एक तो मिनर्वा मिल्स केस 1980 और IR कोयलो केस 2007। इतना पता है, यू आर सॉर्टेड आउट। ठीक है, मिनर्वा मिल्स केस को याद रखा जाता है बेसिकली जुडिशियल रिव्यू के लिए। इसने जुडिशियल रिव्यू को बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया। ठीक है, उसके बाद IR कोयलो केस को याद रखा जाता है शेड्यूल किसके लिए? 9 के लिए, 9 शेड्यूल को पहले प्रोटेक्शन मिलती थी कि 9 शेड्यूल में कुछ भी डाल दो वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आएगा। जुडिशियल रिव्यू क्या है उसके लिए हम अलग से क्लास ले लेंगे। 9 शेड्यूल में कुछ भी डाल दो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं देखेगा कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, कुछ भी पड़े रहने दो, यानी वो वैलिड हो जाएगा, कोर्ट उसको नजर नहीं डाल सकती। लेकिन IR कोयलो केस ने बोला क्यों नहीं डाल सकते, 9 शेड्यूल में ऐसा क्या है, ऐसा थोड़ी तुम कुछ भी लिखो और इसमें डाल दो, नहीं, इसके ऊपर भी जुडिशियल रिव्यू लागू है। लेकिन कब से? जब से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते, यानी केशवानंदा भारती केस के बाद से 9 शेड्यूल के अंदर जो भी है उसके ऊपर भी जुडिशियल रिव्यू लागू होता है। इससे पहले जो था तब तक लागू नहीं होता था।
ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। और बेसिकली मैंने सारी चीजें बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख भी दी हैं और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब कुछ सवाल और जो इससे रिलेटेड हमें पता होने चाहिए, ठीक है, मैं उसको लिख देता हूं। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन का सवाल कर ले, इस क्वेश्चन का जवाब दे दे। इसमें से अगर हम देखें, शंकर प्रसाद में बोला था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट ले सकती है, तो पहला कैन टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, पहला सवाल सही हो जाता है, पहला स्टेटमेंट ठीक हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट, गोलकनाथ में अपना ऑर्डर को रिवर्स करते हुए बोला था पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट, क्या सही है? बिल्कुल, ये भी सही है, पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे और एब्रिज एनी ऑफ दीज राइट्स, ये भी सही है। लेकिन तीसरा, प्रेजेंट पोजिशन, पार्लियामेंट कैन टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट, क्या ये बात सही है? नहीं, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट ले सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए। तो यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर बीच में आ जाता है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ा तो नहीं ले सकती। तो पार्लियामेंट कैन टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट, नो, बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना पड़ेगा, और जो बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में नहीं है वो ले सकते हैं, ठीक है, पता लग गया। लेकिन राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी ये बेसिक स्ट्रक्चर है, तो 21 तो लिया ही नहीं जा सकता, और यहां बोल रहा है एनी फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 बेसिक स्ट्रक्चर है, वो नहीं लिया जा सकता, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, है ना। तो हमारा तीसरा गलत हो जाएगा, ये हमारा 1 और 2 ओनली, ठीक है, समझ में आया। तो अब इस क्वेश्चन को देखें, तो इसमें कौन कौन से हमारे, तो इसको क्वेश्चन को देखेंगे समझेंगे, तो ये पांचों ही चीजें हमारी कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं, हमारा चाहे सेपरेशन ऑफ पावर है, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन FR एंड DPSP है, या फिर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस, या फिर अगर हम देखें वेलफेयर स्टेट एंड आइडियल्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, ये सारे ही हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है वो ये समझनी है कि जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई थी तो ये इवॉल्व हुई है, कैसे इवॉल्व हुई है, ये इवॉल्व हुई है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के द्वारा, जुडिशियरी के जजमेंट्स के द्वारा। तो क्वेश्चन जब आपका आए कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, नहीं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बर्थ नहीं हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जो बर्थ हुआ है वो हुआ है जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियरी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इतना हमें पता है, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमारा खत्म हो जाता है। तो कौन कौन से कंपोनेंट है हमारे इसके अंदर, तो हमें यहां दिख जाते हैं जो फीचर्स अलग अलग केसेस में, हर बार केस होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट हर बार उस बेसिक स्ट्रक्चर को रिवाइज करता रहता है और उसमें कुछ ना कुछ चीजें जोड़ देता है। तो मेन चीजें मैंने यहां लिख दी हैं कि क्या क्या है, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, देन उसके बाद जो हमारे प्रीएम्बल में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक वाले, वो सारे, देन उसका जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये जो नीचे लिखे हुए हैं बेसिकली, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, देन उसके बाद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इनको चेंज नहीं किया जा सकता, बाकी चीजें आप चेंज कर सकते हैं। और कुछ लिस्ट और है, ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, प्रिंसिपल अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स, देन उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस हो गया, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट और DPSP हो गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो गया, प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया। तो ये लिस्ट के द्वारा आप एक बार गो थ्रू हो जाना और समझ लेना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो इस चीज से हमारे सामने आती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP, ये कई बार पूछा जाता है। तो इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट चीज हमें पता होनी चाहिए, इस डायग्राम से हम समझेंगे हमारे 1973 में किया क्या गया। 1973 से पहले अगर हम 25th अमेंडमेंट को देखें, 25th अमेंडमेंट में DPSP को थोड़ी सी ज्यादा पावर दे दी, हम यहीं पे समझेंगे तो हमें थोड़ा सा क्लियरली दिखाई देगा, वो आपको PDF मिल जाएगा, तो PDF में आप इसको ले सकते हैं।
हुआ क्या, जब 25th अमेंडमेंट हुआ तो उसके दौरान क्या कहा गया कि जो डीपीएसपी में आर्टिकल 39 सब क्लॉज बी और आर्टिकल 39 सब क्लॉज सी है, इनको लागू करने के लिए अगर हम किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट भी करते हैं तो वो वैलिड होगा। इसके ऊपर फिर से केस हुआ। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले केसेस में, चाहे वो केशवानंद भारती केस हो या आगे आने वाले केसेस हो, उसमें इस चीज को ट्रू भी मान लिया गया। तो आज के टाइम पे अगर मैं कहूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आर्टिकल 39B और 39C के पास ज्यादा पावर है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से। पूछा जाता है क्या कोई ऐसा डीपीएसपी है जिसके पास फंडामेंटल राइट के से ज्यादा पावर है, या उसको सुप्रीमेसी दी जाती है या उसको ज्यादा तवज्जो दी जाती है फंडामेंटल राइट से? हाँ है। कौन कौन से? आर्टिकल 39B एंड 39C, जिनके पास आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को वायलेट किया जा सकता है इनको लागू करने के लिए। बस इतनी चीजें पता होनी चाहिए। आपके पास क्वेश्चन जो आएगा वो इसी फॉर्म में आएगा, सिर्फ कि आर्टिकल 39B एंड 39C इनको इंप्लीमेंट या इनेक्ट करने के लिए आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 कैन बी वायलेटेड। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और नॉट? तो आप बोलेंगे ट्रू है, क्योंकि अलग अलग केसेस में प्रूव हो गया है। और ये आया कहां से? 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। क्लियर है? ये नहीं पूछेंगे कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से, बस इतना पता होना चाहिए, इस स्टेटमेंट का पता होना चाहिए। और इसी स्टेटमेंट को इन्होंने यहां पर लिखा है, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी बना के रखना है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा फंडामेंटल राइट को ही पावर में रखोगे, नहीं, डीपीएसपी को भी कहीं कहीं जहां जरूरत है वहां ज्यादा पावर दी जानी चाहिए, जैसा एक एग्जाम्पल हमने यहां देखा। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारा डीपीएसपी तक कंप्लीट हो जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले पार्ट पे। पार्ट 5 हमारा डील करता है यूनियन से। ठीक है, पार्ट 5 ध्यान रखना, और एक है पार्ट 6। इन दो चीजों को मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। पार्ट 5 क्या है? जो यूनियन से डील करेगा, और पार्ट 6 आपका स्टेट से डील करेगा। यूनियन में एग्जीक्यूटिव से, लेजिस्लेचर से और जुडिशियरी, ये सब पार्ट 5 में आ जाएंगे। ऐसे स्टेट में आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी वो पार्ट 6 में आ जाएंगे। तो प्रेसिडेंट हमारा पहला एग्जीक्यूटिव है, तो ये हमारे पार्ट 5 यहां से शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको याद होनी चाहिए, प्रेसिडेंट से क्या क्या पूछा जाता है। जब भी कोई टॉपिक पढ़ो तो एक आइडिया आपके पास होना चाहिए कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। प्रेसिडेंट से क्या चीजें पूछी जाती हैं? प्रेसिडेंट से आपसे जो पूछी जाएंगी, सबसे पहले लिख लो कहीं पर और वही चीजें रिवाइज करना बार बार। प्रेसिडेंट के आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से आर्टिकल हैं? ठीक है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट की पावर्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें इमरजेंसी पावर्स भी आ जाती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। और इसके बाद प्रेसिडेंट का इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, कैसे होता है, और प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट इंपॉर्टेंट है, कैसे रिमूव किया जाता है। प्रेसिडेंट के अंदर ये चार चीजें आपने पढ़ ली तो बहुत है, इतना ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको एक एक करके देखते हैं, और यही सारी चीजें हम आपको यहां पर रिवाइज भी करा देंगे। प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट जब पढ़ेंगे तो सिर्फ उसका इलेक्शन और रिमूवल, दो चीजें पता है बहुत है। गवर्नर में यही चार चीजें जो हमने यहां पर पढ़ी, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर को साथ पढ़ना ताकि आपको आसानी हो जाए रिलेट कर पाने में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट शुरू करते हैं हम। तो प्रेसिडेंट के लिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है, तो उसको आप मैं पढ़ूंगा और आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो सबसे पहले, तो which one of the following are not included in electoral college of the election of the president? ये बहुत important है और ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। जब प्रेसिडेंट की बात करते हैं उसका इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपीचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इलेक्शन से रिलेटेड है। और पहला क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, और जो पार्टिसिपेट करता है उसको हम उसका इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। तो प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन है? तो चार ऑप्शन है, कौन सा नहीं है वो हमें बताना है, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो पहला ऑप्शन,
इलेक्टेड मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ द स्टेट। पॉज करके आंसर देना, ठीक है? चलो हम इसको सॉल्व करें, ठीक है? जब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करते हैं, इलेक्शन में कौन इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, कौन करते हैं और इंपीचमेंट में कौन करते हैं, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है? चलो, जब भी इलेक्शन की बात आए तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनका नाम है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, लोकसभा प्लस राज्यसभा, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटीज। इतना पता है तो बहुत है, यानी पूरे देश में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकसभा राज्यसभा स्टेट में, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, सिर्फ विधानसभा विधान परिषद नहीं, ठीक है? ध्यान रहेगा, तो ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जितने भी यूटीज हैं, यूटीज में से तीन में ही लेजिस्लेटिव असेंबली है। कौन कौन सी है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख बताएंगे। जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली जिस भी यूटी में है, जिस भी यूनियन टेरिटरी में है, उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स भी, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड पार्टिसिपेट नहीं करते। राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट होके आते हैं, वो इलेक्शन में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है? ये चीजें पता होगी। चलो अब इसके हिसाब से हम सॉल्व करें तो हमें पता लग जाएगा डी इज द राइट आंसर। लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई भी मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही कुछ स्टेट में। आज के टाइम पे भारत में सिर्फ 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। वो 6 स्टेट कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इलेक्शन शॉर्टेड हो, इसके अलावा इलेक्शन में इलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है पता होना चाहिए। उस प्रोसीजर का नाम क्या है वो इंपॉर्टेंट है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है? बस इतना पता है, बहुत है। इसको हम इनडायरेक्ट इलेक्शन भी बोलते हैं। ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन, हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है? तो प्रेसिडेंट डायरेक्ट इलेक्शन से आता है, इनडायरेक्ट से बता पाएंगे? बिल्कुल सही, इनडायरेक्ट इलेक्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट का रिमूवल का प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन रिमूव करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट? बिल्कुल पॉज करके आंसर दिया है, बिल्कुल सही दिया होगा आपने। पार्लियामेंट इसको रिमूव करती है। और प्रेसिडेंट के रिमूवल की प्रोसेस को हम बोलते हैं इंपीचमेंट, इंपीचमेंट, ठीक है? कौन से आर्टिकल में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो कौन रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट को? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट विद द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट। प्रोसेस क्या है वो भी हमें पढ़नी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ये तो सिर्फ क्वेश्चंस ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इफ द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर वैकेंट, मान लो प्रेसिडेंट नहीं है, ठीक है, रिजाइन कर दिया, कुछ भी रीजन है, वाइस प्रेसिडेंट उसकी जगह पे जाके बैठ जाएंगे मैक्सिमम 6 महीने के लिए। याद रखना, प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है तो उसकी जगह पे कोई और आके सिर्फ मैक्सिमम 6 महीने के लिए बैठ सकता है। अगर उससे ज्यादा पीरियड है तो इलेक्शन कराओ, नया प्रेसिडेंट लेके आओ, ठीक है? टेम्परेरी प्रेसिडेंट मैक्सिमम 6 महीने के लिए। यूएसए में क्या होता है कि जो टेम्परेरी वाइस प्रेसिडेंट एक बार प्रेसिडेंट बन गया तो वो ही रहता है रिमेनिंग टर्म के लिए, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं। जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट है, जो वाइस प्रेसिडेंट जाके प्रेसिडेंट बनता है या कोई और भी जाके प्रेसिडेंट बनता है तो मैक्सिमम 6 महीने के लिए रह सकता है। परमानेंट प्रेसिडेंट की पोस्ट को फिलअप किया जाना जरूरी है विद इन दोज 6 मंथ्स। अब सवाल आता है, प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाएगा, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो प्रेसिडेंट कौन बनेगा? और ऑप्शन है 4, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा या नन ऑफ द अबव। बिल्कुल पॉज करके आंसर दीजिए, बिल्कुल सही किया होगा। इसका आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
कौन बनेगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन आता है, मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तब कौन बनेगा? तो इसके अलावा जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का वो बन सकता है। ठीक है, अब ये तो बहुत लंबी लिस्ट है, कोई बन जाएगा ना चीफ सीनियर मोस्ट जज, कोई भी होगा। 33 लिस्ट है, 33 में से जो भी सीनियर मोस्ट होगा वो बनेगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। चलिए अगला, अब प्रेसिडेंट की पावर के ऊपर भी एक क्वेश्चन ले लिया मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसिस्ट इन द पावर पार्डन, पावर टू पार्डन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की जो माफी की जो पावर होती है, पावर टू पार्डन जिसे हम बोलते हैं, उस पार्डनिंग पावर में इनमें से कौन सी है और कौन सी नहीं है पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 7 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी नहीं है वो बतानी है। पार्डन, पार्डन तो लिख ही दिया, कमिटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट, रिप्रीव, डिटेंशन, कंटिन्यूएशन, कौन सी? पॉज कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही, हम देखें तो ये भी है, कमिटेशन भी है, रिमिशन भी है, रिस्पाइट भी है, रिप्रीव भी है, डिटेंशन नहीं है, कंटिन्यूएशन नहीं है। तो हमारा 6 और 7 पार्डनिंग पावर में नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग में, रिस्पाइट इसका मीनिंग क्या है, रिमिशन इसका मीनिंग क्या है, कमिटेशन का मीनिंग क्या है, इनके मीनिंग हमें पता होने चाहिए। जैसे सभी रिट्स के मीनिंग हमें पता होने चाहिए, इसके भी मीनिंग हमें पता होने चाहिए। तो एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। पहली चीज है, जो एग्जीक्यूटिव है हमारे यूनियन में, उनको याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है। आर्टिकल आपको याद करना है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक और एग्जीक्यूटिव होता है, कौन होता है? 4 एग्जीक्यूटिव पोस्ट कौन कौन सी है वो आप हम बताएंगे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स में मेंशन्ड है। ये 3 एग्जीक्यूटिव, इनको याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आर्टिकल 52, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 63, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 74, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। किस चीज के लिए? टू सपोर्ट प्रेसिडेंट इन हिज एग्जीक्यूटिव वर्क। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव वर्क प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मदद से करता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे यहां से, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो ये याद होने चाहिए। चलो अब इंपीचमेंट का प्रोसीजर देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट को इंपीच करना है, प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। लेकिन प्रोसीजर क्या है? तो उसके लिए प्रोसीजर आपको नहीं दिखाई देगा, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूं। प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ग्राउंड दिया गया है? पहला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोसीजर गिवन है? यस, गिवन है। कौन सा आर्टिकल? थोड़ी देर में पढ़ेंगे, याद होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 61 है, याद होना चाहिए। ठीक है, प्रोसेस क्या है वो हमें पता होना चाहिए। क्या प्रोसेस है? 2 हाउसेज है हमारे, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए जो प्रोसेस है कौन से हाउस से शुरू होनी चाहिए? दोनों में से किसी से भी शुरू हो सकती है, दोनों में से किसी से भी शुरू होगी। जिस भी हाउस से शुरू होगी उसके 1/4 मेंबर पहले उस रिजोल्यूशन पे साइन करेंगे कि हम प्रेसिडेंट को हटाना चाहते हैं। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कितने ग्राउंड दिए गए हैं? सिर्फ 1 ग्राउंड है, ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्या ग्राउंड है? वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायोलेशन ऑफ, ये लिख लेना, ये मैंने मेंशन नहीं किया हुआ पीडीएफ में। प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 1 ग्राउंड मेंशन्ड है, वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्राउंड्स फॉर टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, या फिर प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ग्राउंड? तो क्या ऑप्शन आएगा? वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 1 ग्राउंड बताता है। क्या प्रोसीजर है? दोनों हाउस में से किसी भी हाउस पर शुरू किया जा सकता है। 1/4 मेंबर उस हाउस के साइन करके देंगे उसके चेयरमैन को कि हम इसको शुरू करना चाहते हैं, और उसके बाद अगर
ये 1/4 मेंबर साइन करते हैं और वो रिजोल्यूशन सबमिट हो जाता है, देन उसके बाद 2/3 की मेजोरिटी चाहिए। कितनी मेजोरिटी चाहिए? 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ये स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। किसी भी हाउस के 2/3 मेंबर साइन करके, मतलब जब उसको पास करेंगे तब उससे पास माना जाएगा। एक ने पास कर दिया, पहला हाउस है उसको हम बोलते हैं इनिशिएटिंग, जो इनिशिएट कर रहा है। उसके बाद जब उस हाउस से पास होकर दूसरे हाउस में जाती है तो दूसरा हाउस उन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करता है कि जो चार्ज प्रेसिडेंट के ऊपर लगाए गए हैं वो सही है या नहीं। इसीलिए जो भी सेकंड हाउस होगा, लिख लेना इस बात को कहीं पे, जो भी सेकंड हाउस होगा जहां पर वो रिजोल्यूशन पास होके गया है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिंग हाउस, इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। ठीक है, और जो भी सेकंड हाउस होगा वहां पर प्रेसिडेंट को हक होता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, अपनी सफाई देने का। तो सेकंड हाउस में वो कर सकता है, लेकिन जब सेकंड हाउस भी पास कर देगा विद 2/3 मेजोरिटी तो प्रेसिडेंट को उसी दिन से रिमूव मान लिया जाता है जिस दिन सेकंड हाउस ने पास कर दिया। क्लियर है? ये इंपीचमेंट का प्रोसेस मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब हम इलेक्शन का प्रोसेस मैं बता चुका हूं, इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, इंपीचमेंट का हमने बात कर ली है। अब पार्डनिंग पावर, जो 5 वर्ड थे उनके मीनिंग क्या क्या है वो मैंने वो लिख दिए हैं, अब पढ़ लेना, मैं एक बार बता देता हूं। पार्डन, पूरी तरीके से माफ कर देना, यानी कि मान लो किसी के अकाउंट में कोई क्राइम है उस अकाउंट को खाली करना, बोले इसका कोई क्राइम नहीं, छोड़ दो, बिल्कुल माफ कर देना, वो होता है पार्डन। कम्यूट, कम्यूट करना मतलब जो पनिशमेंट का नेचर है, हार्ड पनिशमेंट से सॉफ्ट पनिशमेंट, किसी को रिग्रेस पनिशमेंट दिया है, कैदे बामुशक्कत की सजा दी गई है उसको सामान्य कैद की, कि जाके सिर्फ इसको आराम से रखो, कैद में रखो, यानी नेचर ऑफ पनिशमेंट चेंज करना, वो होता है कम्यूटेशन। रिमिशन, रिमिशन क्या होता है कि सजा का टाइम, पनिशमेंट का टाइम कम कर देना, 4 साल की सजा को 2 साल में बदल दो, 2 साल माफ कर दिया यानी रिमिशन कर दिया। रिस्पाइट, रिस्पाइट का मीनिंग भी लेसर पनिशमेंट होता है, टाइम कम कर देना, लेकिन ये एक स्पेशल कंडीशन में होना चाहिए। अगर स्पेशल कंडीशन की वजह से टाइम किया कम किया गया है तो रिस्पाइट, अगर वैसे ही टाइम किया गया है तो रिमिशन। स्पेशल कंडीशन जैसे, जैसे कोई प्रेग्नेंट वूमेन है तो उसका टाइम कम कर दिया, है ना, जैसे किसी की मेंटल हालात या फिर फिजिकली कोई बीमार हो जाता है तो टाइम कम कर दिया, तो वो रिस्पाइट में आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट बच जाता है रिप्रीव। रिप्रीव का मतलब होता है पोस्टपोन करना, उसकी सजा आज से शुरू ना करके 1 महीने बाद शुरू करना। ठीक है, जैसे एक को फांसी की सजा दी है ना, तो फांसी की सजा आज ना लगा के 1 महीने बाद, क्योंकि प्रेसिडेंट को अर्जी दी हुई है कहीं ना कहीं, तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली रिप्रीव, मतलब आज से शुरू ना करके किसी काम की वजह से उसको थोड़े दिन की मोहलत दे दें उसके बाद सजा शुरू करें, तो वो होता है हमारा रिप्रीव। अब एक जो मेजर डिफरेंस आता है प्रेसिडेंट और गवर्नर, ठीक है, क्योंकि हम कर रहे हैं गवर्नर को भी तो यही हम उसको कवर कर लेंगे। प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर में, प्रेसिडेंट कोर्ट मार्शल के केसेस में भी पार्डन कर सकता है। कोर्ट मार्शल यानी मिलिट्री कोर्ट के द्वारा दी गई पनिशमेंट को भी माफ कर सकता है प्रेसिडेंट, लेकिन गवर्नर नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट डेथ केसेस, जो फांसी की सजा दी गई है उसमें भी पार्डन कर सकता है, यानी उसको कंप्लीटली माफ कर सकता है, लेकिन गवर्नर डेथ केसेस में पार्डन नहीं कर सकता, कम्यूट कर सकता है, यानी उसकी सजा का नेचर बदल सकता है। समझ गए? तो डेथ केसेस में प्रेसिडेंट के पास पावर है, इसके पास पावर नहीं है पार्डन करने की। ठीक है, ये पार्डन नहीं कर सकता, बाकी पावर यूज कर सकता है, उसके अलावा बाकी सारी पावर्स दोनों की सेम है। ठीक है, एक अलग से पावर हम पढ़ेंगे, इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, पूरे देश में इमरजेंसी लगाने की पावर प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास नहीं है, तो वो हम अलग से पढ़ेंगे, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो प्रेसिडेंट की ये पावर होगी, उसके बाद
इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो प्रेसिडेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद जी थे अकेले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो दो बार चुने गए, ठीक है। देन उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनको फिलोसफर प्रेसिडेंट भी बोला जाता है। तो इस टाइप से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अलग अलग प्रेसिडेंट के बारे में, कई बार स्टेट पीसीएस इनके ऊपर एक आधा क्वेश्चन उठा के पूछ लेता, तो मैंने डाल दिए हैं, इनको आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स मैंने इंपॉर्टेंट सबके डाले हुए हैं। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं और ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो प्रेसिडेंट के हैं ये हमें याद होने चाहिए। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है। 54 इलेक्शन की बात करता है, ठीक है। देन उसके बाद 56 टर्म ऑफ ऑफिस है, ठीक है। देन उसके बाद 58 क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन है, ठीक है। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं, ये तो आपको याद होने ही चाहिए। 61 जैसे मैंने बताया इंपीचमेंट का है, 60 आपका ओथ का है। ओथ के लिए शेड्यूल कौन सा था आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, ओथ के लिए शेड्यूल कौन सा है। और दूसरा क्वेश्चन है, क्या उस शेड्यूल में प्रेसिडेंट की ओथ शामिल है या नहीं, मैंने आपको कराया था, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको इसकी हिंट दे देता हूं, जब प्रेसिडेंट की ओथ के लिए एक ऑलरेडी आर्टिकल है तो शेड्यूल में शामिल करने की जरूरत नहीं है, तो प्रेसिडेंट की ओथ उस शेड्यूल में नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। जब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करें तो कौन था इलेक्टोरल कॉलेज में, सभी इलेक्टेड मेंबर्स, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी और यूटीज में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी, और दोनों हाउस के इलेक्टेड मेंबर्स राज्यसभा और लोकसभा, नॉमिनेटेड नहीं थे, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो हमारा रह गया, प्रेसिडेंट को जब हटाना है, रिमूव करना है, इंपीच करना है, तो कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्या वो सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर्स, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो। तो क्वेश्चन आता है, क्या नॉमिनेटेड मेंबर्स इलेक्शन के, सॉरी प्रेसिडेंट के रिमूवल में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आंसर आएगा यस। हमारे लोकसभा और राज्यसभा के दोनों ही मेंबर्स, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, प्रेसिडेंट के रिमूवल में पार्टिसिपेट करते हैं। ये क्वेश्चन मेरा प्रेसिडेंट में रह गया था जो मैंने यहां बता दिया है, ठीक है। इतनी चीजें आप लिखते चलना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इस पीडीएफ में नहीं भी मिले तो एक आधे पॉइंट जो मैं उसमें स्किप कर देता हूँ यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। तो लिख लेना, तो वहां लिखा नहीं हुआ है तो इस बात को लिख लेना आप। अब उसके बाद आर्टिकल सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है उसको देख लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज देखा, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज कौन सा है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो चार ऑप्शन है, ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस, ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड स्टेट असेंबलीज, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज। तो क्या आंसर होगा, पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही, इसमें दोनों हाउसेस के सारे मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इसमें स्टेट असेंबलीज पार्टिसिपेट नहीं करती। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट असेंबलीज का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है और नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें एक पेज पे कहीं लिख लेना, प्रेसिडेंट में कौन कौन है, वाइस प्रेसिडेंट में कौन कौन है, और रिमूवल का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना हो, जैसा मैंने बताया था, प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए रिजोल्यूशन किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है, ठीक है। 1/4 मेंबर उस पर साइन करेंगे, क्लियर है, वो पढ़ा। अब क्वेश्चन आता है, रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी प्रपोज्ड इन, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए जो रिजोल्यूशन है, क्या हम दोनों हाउस में कर सकते हैं या सिर्फ राज्यसभा में कर सकते हैं या सिर्फ लोकसभा में कर सकते हैं या ज्वाइंट सेशन में कर सकते हैं, तो वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने सही भी बताया होगा। वाइस प्रेसिडेंट, ध्यान रखना इसके बारे में कुछ फैक्ट्स मैं बता देता हूं। वाइस प्रेसिडेंट जो भी होता है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है,
चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं? जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। या फिर अगर इसको दूसरे हिसाब से कहूं तो वो ज्यादा सही होगा कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा। अगर मान लो वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली है, वाइस प्रेसिडेंट जाके प्रेसिडेंट बन गए, तो जो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होंगे वो चेयरमैन का काम करेंगे। लेकिन जो चेयरमैन का काम करेंगे क्या वो वाइस प्रेसिडेंट होंगे? नहीं, ठीक है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट एक इलेक्टेड पोस्ट है। तो वाइस प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड है बेशक से, वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन की तरह काम करेगा, चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली है तो वाइस प्रेसिडेंट वहां जाके बैठे हुए हैं तो जो भी चेयरमैन बनेगा राज्यसभा का वो ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन जाएगा, ये जरूरी है, ठीक है, ये चीज है क्लियर। अब दूसरी चीज एक और, वाइस प्रेसिडेंट की पेमेंट, पेमेंट के लिए कौन सा शेड्यूल है कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या उस शेड्यूल में वाइस प्रेसिडेंट की पेमेंट है या नहीं वो भी बताइए, तो आपको पता लगेगा कि वाइस प्रेसिडेंट की कोई पेमेंट नहीं होती है। वाइस प्रेसिडेंट एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की पेमेंट है ये पेमेंट उसे मिलती है, क्लियर है, ये चीजें पता होनी चाहिए। अब हमने इलेक्शन देखा, रिमूवल भी देख लेते हैं। तो राज्यसभा का चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, और इसीलिए जब वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना हो तो उसके लिए रिजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का रिजोल्यूशन सिर्फ राज्यसभा में लाया जाएगा, इतना पता होना चाहिए, यह बहुत मैंडेटरी, इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पता होनी चाहिए। तो इलेक्शन भी देख लिया, रिमूवल भी देख लिया, वाइस प्रेसिडेंट हमारा कवर हो जाते हैं। सवाल आएगा कि जब प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो और वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करता है तो वो मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर सकता है? तो आंसर इज मैक्सिमम 6 months। 6 months के दौरान इलेक्शन कराने प्रेसिडेंट के जरूरी है अगर वो सीट खाली है तो, ठीक है, 6 months से ज्यादा एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, क्लियर है, ये चीजें पता होनी चाहिए। बहुत बेसिक सी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं और इन्हीं में ही क्वेश्चंस में अटकाया जाता है आपको, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गवर्नर को कवर करते हैं। गवर्नर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, गवर्नर के ऊपर यूपीएससी का द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही मैंने पूछा, और इसी के द्वारा बहुत सारी चीजें गवर्नर की हम कवर कर लेंगे। पहला है, इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर टू और मोर स्टेट एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे किसी गवर्नर को दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट गवर्नर नहीं बनाया जा सकता, क्या ऐसा सही है या गलत है आप बताएंगे। जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, कि हाई कोर्ट के जज को गवर्नर अपॉइंट करता है और सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, क्या यह बात सही है, देखते हैं। नो प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर रिमूवल ऑफ गवर्नर फ्रॉम हिज और हर पोस्ट, कि गवर्नर को रिमूव करने के लिए उसकी पोस्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोसीजर नहीं दिया गया है, क्या यह बात सही है, देखेंगे। इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेटिव सेटअप चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी सपोर्ट, कि जहां पर भी जिस भी यूटी में यूनियन टेरिटरी में केंद्रीय शासित प्रदेश में जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहां पर चीफ मिनिस्टर को लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, क्या ऐसा सही है, देखते हैं। आप जिसको आता है वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए अब हम आंसर करते हैं, इससे हम बहुत सारी चीजें गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो स्टेट्स बने थे वो हमने कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बताए थे, फर्स्ट वीडियो में अगर आपको याद हो तो याद आएगा, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, इससे याद आया। उसी एक्ट में जब हमने अलग अलग स्टेट बनाए तो हमने एक बात और कही थी, क्या, वहां पर वीडियो में नहीं गई लेकिन आज बता देता हूं, गवर्नर के बारे में थी कि एक गवर्नर को हम एक या दो, एक से ज्यादा स्टेट के लिए गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं। एक गवर्नर है वो पंजाब का भी हो सकता है,
हरियाणा का भी हो सकता है चाहे तो, ठीक है। एक ही गवर्नर को एक एक स्टेट और एक यूटी का भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये प्रोविजन हमने 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हमने किया था। तो ये बोल रहा है कि अपॉइंट नहीं किया जा सकता ऐसे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। हाँ हो गया, क्योंकि कर सकते हैं। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में था ऐसा कि हम नहीं कर सकते, लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये अमेंड करके लिख दिया कि दो या दो से ज्यादा स्टेट या फिर एक या एक से ज्यादा स्टेट में एक गवर्नर को हम अपॉइंट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, ठीक है। ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं। जजेस ऑफ हाई कोर्ट, इनको भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनको भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। गवर्नर नहीं अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के जजेस को, तो यह स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अगला, नो प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर रिमूवल ऑफ गवर्नर। बिल्कुल सही है, गवर्नर के रिमूवल के लिए कोई भी प्रोसीजर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को कई बार पूछा जाता है, ये हर एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है जब हम याद इनको पढ़ते हैं। तो लास्ट, इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी, जहां पर लेजिस्लेटिव सेटअप है वहां पर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा नहीं किया जाता। ये गलत है, तो हमारा चौथा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो आंसर क्या है? थर्ड। क्लियर है? बहुत सारी बातें गवर्नर के बारे में सीखी। गवर्नर और प्रेसिडेंट के बीच में हमने थोड़ा सा डिफरेंस भी देखा, जो पावर्स में डिफरेंस है, ठीक है। इतना डिफरेंस काफी आपके लिए, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन आता है गवर्नर के ऊपर ही, इनके आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रेसिडेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट गवर्नर के आर्टिकल्स हैं, जब हम मैच द फॉलोइंग किसी भी स्टेट पीसीएस की बात करते हैं। तो स्टेट पीसीएस में प्रेसिडेंट से ज्यादा पूछे जाने की संभावना है गवर्नर के आर्टिकल्स की रहती है। तो गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों के याद कर लेना, और गवर्नर के तो कर ही लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए एक क्वेश्चन में आपके लिए लाया, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन स्टेट इज मेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल। कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के हिसाब से गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है? तो गवर्नर के लिए जो हमारा है आर्टिकल 153, ठीक है। तो इनके आर्टिकल्स हमें पता होने चाहिए, ये आर्टिकल्स याद कर लो। गवर्नर, एग्जीक्यूटिव, अपॉइंटमेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, क्वालिफिकेशन, कंडीशनल, कंडीशन ऑफ ऑफिस, ओथ, डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस, अगर ये आपको याद हो गए तो आसान है। पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर किसमें है? आर्टिकल 72 में। इसमें 89 ऐड कर दें। हमेशा जब सेंटर से, हमेशा नहीं, मैक्सिमम आर्टिकल्स में सेंटर से जब हम स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो 89 ऐड करते हैं, तो हमारा स्टेट का आर्टिकल आ जाता है। तो जब मैं पार्डनिंग पावर की बात कर रहा हूं 72, तो इसमें 89 ऐड करूंगा, तो 161 पार्डनिंग पावर आ जाएगी गवर्नर की, ठीक है। क्लियर है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमारा कौन सा था यूनियन में? 74, 89 ऐड करके देखना स्टेट का आता है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से याद होने चाहिए। तो ये आप याद कर सकते हो 153, 4, 5, 6, 7, तो मैंने जो मेरे को याद करने का जो तरीका याद बनाया था, आप भी बना सकते हैं अपना कोई भी, कि गवर्नर को जब भूख लगेगी तो ईट, गवर्नर ईट, ईट करने के लिए कुछ भी ऑर्डर करेगा तो क्या करेंगे, क्यूआर कोड आएगा, क्यूआर कोड से पेमेंट करनी पड़ेगी। जब भी वो कुछ भी मंगाएगा, गवर्नर ईट, क्यूआर कोड से पेमेंट करेंगे, तो गवर्नर एग्जीक्यूटिव पावर, अपॉइंटमेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, क्वालिफिकेशन, कंडीशन ऑफ ऑफिस, ओथ, डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस, ठीक है। मैंने इस तरीके से याद किया था, गवर्नर ईट, क्यूआर कोड, बस क्यूआर कोड मंगा के पेमेंट करेगा, ठीक है। बस इस टाइप से याद कर सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं, आपके अलग तरीके होंगे, कुछ भी जो आपको पसंद आए आप उस तरीके से वो नेमोनिक्स बना सकते हैं अपने हिसाब से, याद करने से मतलब है, एग्जाम क्लियर करने से मतलब है। अगला क्वेश्चन, गवर्नर कंप्लीट। लास्ट, आज हम इमरजेंसी प्रोविजंस को देखेंगे।
इमरजेंसी प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट। तीन इमरजेंसी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लिए तीन टाइप की इमरजेंसी दी गई है, आर्टिकल 352, 356 और 360। कौन कौन सी है उसके हिसाब से मैंने सिर्फ दो टेबल आपको, दो स्लाइड्स में टेबल दी हुई है, तीन से चार पॉइंट दिए हुए तीनों इमरजेंसीज के, वो कर लो, मोर देन इनफ है। इस पीडीएफ आप हमारी टेलीग्राम चैनल से ले लेना, आपके लिए काफी हो जाते हैं सारी चीजें। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ग्राउंड फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब सिर्फ इमरजेंसी लिखा है तो कौन सी इमरजेंसी समझे, तो इसको हम नेशनल इमरजेंसी से कंपेयर करते हैं। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल, कोई बताएगा, अंडर आर्टिकल 352। अंडर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के लिए, लगाने के लिए कौन कौन से ग्राउंड हैं और कौन से नहीं है पता होने चाहिए। तो इसमें पूछा है कौन सा ग्राउंड नहीं है, तो आंसर दीजिए वार, एक्शनल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन या इंटरनल रेजिस्टेंस। पॉज कीजिए, पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही आपने बताया होगा, वॉर भी है, एक्सटर्नल एग्रेशन भी है, आर्म्ड रिबेलियन भी है, इंटरनल डिस्टरबेंस नहीं है। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा गया था तो उसके अंदर ये नहीं था, ये था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी जो फेमस है, उसके बाद बोला कि इंटरनल डिस्टरबेंस बोल के तो कोई भी इमरजेंसी लगा देगा, तो इसीलिए इस चीज को हटा दिया गया। ओरिजिनली ये था, अब नहीं है, इंटरनल डिस्टरबेंस को हटा दिया गया बाय विच अमेंडमेंट एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, ठीक है। और उन्होंने बोला कि इसकी जगह पे अब हम इस वर्ड को यूज करेंगे, आर्म्ड रिबेलियन को ऐड किया गया था, लिख लेना, 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इंटरनल डिस्टरबेंस को हटा के आर्म्ड रिबेलियन को ऐड किया गया था। तो ये तीन ग्राउंड है जिनके आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। एक चौथा है, वो है इमिनेंट थ्रेट, जब प्रेसिडेंट को ये लगे कि इस देश से हमको बहुत बड़ी थ्रेट है, हमारे देश की सॉवरेंटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को खतरा है, तब प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकता है। क्लियर है, इतनी चीजें पता है, ये पहला क्वेश्चन आपका कवर हो जाता है। इसके अंदर हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि इंटरनल डिस्टरबेंस शुरुआत में था लेकिन इसको हटा के 44th अमेंडमेंट के द्वारा आर्म्ड रिबेलियन कर दिया था, क्यों किया था वो भी मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरीली द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। नेशनल इमरजेंसी लगे, प्रेसिडेंट रूल लगे, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो हमें पता होने चाहिए, उससे क्या चेंज आते हैं, कौन सा फंडामेंटल राइट छीना जाएगा, हमारी स्टेट लिस्ट में लॉज बना सकती है कि नहीं बना सकती यूनियन, सब पता होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट रूल, जिसको हम आर्टिकल 356 के अंडर काउंट करते हैं, जब ये लग जाए तो क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो हमें पता होने चाहिए। क्वेश्चन पूछा है क्या नेसेसरीली नहीं होता, हो सकता है लेकिन कंपल्सरी नहीं है। तो ऑप्शन है डिसॉल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डिसॉल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज, इनमें से क्या कंपल्सरी नहीं, ठीक है। तो आपके पास टाइम है, पॉज कीजिए, आंसर दीजिए, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। बिल्कुल सही आपने सोचा, डिसॉल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज का प्रेसिडेंट रूल से कोई लेना देना नहीं है, ये तो है ही नहीं नेसेसरी, ठीक है। तो जहां पे भी अगर हम देखें थ्री है, तो जहां नहीं है उसको हटा दो, यानी ये तो है नहीं आंसर। डिसॉल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व किया जा सकता है, जब ये क्वेश्चन आए तो आपको कुछ चीजें, कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। क्या, सबसे पहली बात, जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है उस टाइम पे प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड, या फिर प्रेसिडेंट सस्पेंड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नेसेसरी, ये तो हो जाएगा, सस्पेंड तो हो जाएंगे, कुछ टाइम के लिए रिमूव कर देंगे जब तक प्रेसिडेंट रूल लिखा हुआ है,
लेकिन उस हाउस को डिसॉल्व करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट से परमिशन चाहिए, पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को रिमूव करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए, रिमूव करने के लिए नहीं, जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमूव हो जाती है, नेसेसरी है, लेकिन उस लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए, भंग करने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए। तो दिस इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन, ये जब पार्लियामेंट अप्रूव करेगी तभी होगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा। तो 1 and 3 इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये नेसेसरी नहीं है और ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है, ये नेसेसरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली होता है रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। डिसॉल्व कब होगी, सस्पेंड हो जाएगी, डिसॉल्व कब होगी, जब पार्लियामेंट अप्रूव करेगा, क्लियर। इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए प्रेसिडेंट रूल के लिए, ठीक है। चलिए एक ये देख लेते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन से आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सस्पेंड द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट का एनफोर्समेंट किस आर्टिकल के तहत सस्पेंड किया जा सकता है इन एमरजेंसी, एमरजेंसी के दौरान। तो इसके अंदर ये चार ऑप्शन है, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट 2021 के अलावा, ये हमने पढ़ा था 20 और 21 को हम इनएलियनेबल राइट बोलते हैं, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया था ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। इनके अलावा बाकी फंडामेंटल राइट को एमरजेंसी के दौरान हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, कौन से आर्टिकल में ये बात लिखी है। तो पॉज करता हूं, आप पॉज कीजिए वीडियो को, आंसर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही, ये हमारा इसका सही आंसर होगा 359, लेकिन कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए हमें। क्या ये फंडामेंटल राइट्स सिर्फ और सिर्फ नेशनल एमरजेंसी के दौरान हटाए जा सकते हैं? नेशनल एमरजेंसी हमारे आर्टिकल 352 के अंदर लगती है, इसके अंदर आपको हटाने हैं तो दो कंडीशन है, आर्टिकल 19 के लिए अलग कंडीशन है और बाकी अदर फंडामेंटल राइट्स के लिए अलग कंडीशन है, ठीक है। आर्टिकल 19 के लिए हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 358, अगर आपको 19 हटाना है तो 358, बाकी फंडामेंटल राइट हटाने हैं तो आर्टिकल 359। यहां पर 19 की बात हो रही है, नहीं, बाकी फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, तो कौन सा आर्टिकल होगा, 359, ठीक है। अब 358 क्या कहता है कि अगर दो कंडीशन की वजह से, कौन सी कंडीशन, हमारी नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए तीन कंडीशन है, एक बाहर से आने वाला खतरा, एक अंदर वाला खतरा। बाहर से आने वाला खतरा कौन सा है, वार और एक्सटर्नल एग्रेशन। अगर इन रीजन की वजह से नेशनल इमरजेंसी लगती है तो 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, बाकी किसी भी वजह से 19 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, क्लियर है। तो यहां पर जब हम आर्टिकल 19 को रिमूव करने की बात करते हैं तो आर्टिकल 358 क्या बोलता है कि वार और एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, अदरवाइज आर्टिकल 19 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इन एनी केस, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, अदर फंडामेंटल राइट्स की क्या कंडीशन है, 359 कहता है कि ये फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होंगे, जैसे 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो गया इन दो कंडीशन में, बाकी फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होंगे। तो कैसे होंगे, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा इन हिज गजेट कि ये इमरजेंसी है और मैं इन फंडामेंटल राइट्स को हटाना चाहता हूं, तो जिन जिन का नाम उस लिस्ट में आएगा सिर्फ वही फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगे अंडर आर्टिकल 359। और इसमें भी कंडीशन यह है कि 20 और 21 को नहीं हटा सकते, क्लियर है। तो जब नेशनल इमरजेंसी होगी तभी फंडामेंटल राइट्स हटाए जा सकते हैं, लेकिन कब कब कौन से हटाए जा सकते हैं यह है, इनको अपनी भाषा में लिख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट फॉर इट्स अप्रूवल।
जब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जब सिर्फ इमरजेंसी लिखा हो तो कहीं ना कहीं हम उसको नेशनल इमरजेंसी से लेके चलते हैं। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल, अभी तक तो याद हो गया होगा, 352। ठीक है, तो जब हमें इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो उसको पार्लियामेंट के अंदर फॉर इट्स अप्रूवल कितने दिन के अंदर अंदर रखना जरूरी है। तो ये चार ऑप्शंस हैं, विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ या विद इन 1 ईयर। तो पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, फिर हम इसके सारे बेसिक्स को कवर करेंगे। बिल्कुल सही, जब नेशनल इमरजेंसी की बात होती है तो विद इन 1 मंथ उसको अप्रूव करवाना बहुत जरूरी है। विद इन 1 मंथ अप्रूवल इसका जरूरी रहता है नेशनल इमरजेंसी का। ठीक है, वही प्रेसिडेंट रूल के लिए अलग है, वो भी हम पढ़ेंगे। सारे कंडीशंस हम 2 स्लाइड्स में कवर कर लेंगे, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आपका सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन हम इसका देख लेते हैं। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द टर्म ऑफ हाउस ऑफ पीपल, जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो टर्म हाउस ऑफ पीपल या फिर किसी लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो हम एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन है। पहला, कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। दूसरा, कैन बी एक्सटेंडेड टिल इमरजेंसी। तीसरा, कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर ओनली। और चौथा ऑप्शन है, कैन बी एक्सटेंडेड टिल इमरजेंसी बट ओनली 1 ईयर एट ए टाइम। तो पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही, इसका आंसर जो हमारा लास्ट डी, नेशनल इमरजेंसी जब लगी हो तो उस टाइम पे लोकसभा का पीरियड या लेजिस्लेटिव असेंबली का जो पीरियड है वो हम एक्सटेंड कर सकते हैं। कब तक? जब तक इमरजेंसी है तब तक, लगातार होते रहेगा, चाहे 1 साल, 2 साल, 3 साल। ठीक है, हम इसको भी एक्सटेंड करते चले जाएंगे, लेकिन एक बार इमरजेंसी हट जाए उसके बाद मैक्सिमम 6 महीने तक रह सकती है, और इसको एक बार में 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये कंडीशन है, तो आंसर हो जाएगा डी। इसी के साथ हमारे इमरजेंसी प्रोविजन सारे कवर हो जाते हैं। अब ये इसके ऊपर मोटी मोटी बातें जो हैं वो मैंने लिख दी है। 3 तरह की इमरजेंसी है, ठीक है, 3 तरह के इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 352 जिसको हम नेशनल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं, 356 प्रेसिडेंट रूल के नाम से जानते हैं, और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये लाइन लगा लेना। पहला है ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन, किस ग्राउंड पे उसे डिक्लेयर किया जाता है। जैसे हमने नेशनल इमरजेंसी को पढ़ा, इसके 3 ग्राउंड है, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, इसके साथ इमिनेंट थ्रेट, इमिनेंट डेंजर भी जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, इमिनेंट डेंजर और इमिनेंट थ्रेट। प्रेसिडेंट रूल लगाने के क्या है, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, चलो 1 सेकेंड। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। जब भी किसी स्टेट में प्रेसिडेंट को ये लगता है कि यहां पर वो स्टेट किसी, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रोविजंस के आधार पर काम नहीं कर रहा है, तो प्रेसिडेंट कैन इंपोज प्रेसिडेंट रूल इन दैट स्टेट। प्रेसिडेंट उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है, या गवर्नर उस स्टेट का वो रिपोर्ट दे दे कि इस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो आप यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। ठीक है, इसके लिए 2-3 आर्टिकल आपको और याद रखने की जरूरत है जो इंपॉर्टेंट है, जहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 352 पता लग गया, आर्टिकल 355 एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 355 क्या कहता है, कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द नेशन टू प्रोटेक्ट द स्टेट, ड्यूटी ऑफ नेशन टू प्रोटेक्ट द स्टेट, और इसीलिए प्रोटेक्शन करने के लिए या फिर उसी उसी उसमें जो यूनियन है वो नेसेसरी डायरेक्शंस दे सकता है, सॉरी यूनियन नेसेसरी डायरेक्शन दे सकता है टू द स्टेट्स। तो यूनियन के पास डायरेक्शन देने की पावर है स्टेट्स को, आर्टिकल 355। अगर स्टेट उस डायरेक्शंस को ना माने तो हम आर्टिकल 365 यूज करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 365 कहता है कि अगर स्टेट
यूनियन के डायरेक्शंस को मना कर दें या उनको ना माने, यूनियन डायरेक्शन को डिक्लाइन कर दें या मना कर दें, तो उस टाइम पे यूनियन अपनी पावर्स को यूज करके आर्टिकल 356 वहां पर इंपोज कर सकता है, यानी कि प्रेसिडेंट रूल वहां पर इंपोज किया जा सकता है। यानी स्टेट की ड्यूटी है यूनियन की डायरेक्शंस को फॉलो करना, और यूनियन की डायरेक्शन नहीं फॉलो की जा रही तो उस केस में वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है 365 कहता है। क्लियर है, ये दोनों आर्टिकल क्लियर है, और इसी के आधार पर 356 पढ़ेंगे, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम ना, और स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम ना कर रहे हो तो वहां पर लगाया जा सकता है प्रेसिडेंट रूल। अब इसके बाद आर्टिकल 360 हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जिसके लिए मैंने अभी कोई क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन इसके लिए क्वेश्चन आता है हमारे देश में आज तक कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है। आज तक हमारे देश में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। इसको कब लगाया जा सकता है, जब देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे या फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी पे खतरा हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे खतरा हो तो उस टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकती है। क्वेश्चन आता है ये इमरजेंसी कौन लगा सकता है, ये तीनों ही इमरजेंसी प्रेसिडेंट के द्वारा ही प्रोक्लेम की जा सकती हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा ही लगाई जा सकती हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है क्या इनको लगाने के लिए रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिए कैबिनेट से। जब हमने ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था तब यह प्रोविजन नहीं था, इस प्रोविजन को हमने जोड़ा नेशनल इमरजेंसी के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये बोला अगर आपको नेशनल इमरजेंसी लगानी है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से लगा दी, तो दोबारा ऐसी गलती ना हो तो 44th अमेंडमेंट में बहुत सारे बदलाव किए गए थे। उसमें से एक ये भी था कि अगर आपको नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो आपको कैबिनेट से रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिए, रिटर्न। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कैबिनेट वर्ड यूज हुआ है, तो उसका आंसर है कि कैबिनेट वर्ड फर्स्ट टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस अमेंडमेंट एक्ट में यूज किया गया था, जब हमने ये लिखा कि नेशनल इमरजेंसी के लिए रिटर्न रिक्वेस्ट या रिटर्न परमिशन की रिक्वायरमेंट है, रिटर्न रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द कैबिनेट। उससे पहले कैबिनेट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, और हम बोलते आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर या कैबिनेट, तो कैबिनेट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं। कैबिनेट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक जगह लिखा हुआ है, आर्टिकल 352 को लगाने के लिए कैबिनेट की रिकमेंडेशन चाहिए, रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिए, यहां पे कैबिनेट वर्ड का यूज है। उसके अलावा किसी के लिए भी रिटर्न रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, प्राइम मिनिस्टर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह करके सलाह दे सकता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसे लगा सकता है। क्लियर, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्लियामेंट अप्रूवल का टाइम क्या है, एक सेकेंड, पार्लियामेंट अप्रूवल कितने दिन में हो जाना चाहिए, यह इंपॉर्टेंट है। तो जब हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो नेशनल इमरजेंसी 1 मंथ के अंदर अंदर उसका अप्रूवल जरूरी है, बाकी दोनों का 2-2 मंथ है दोनों लेजिस्लेचर से या जो भी लेजिस्लेचर है, तो विद इन 1 मंथ अप्रूवल लेना है लेजिस्लेचर से, इसके लिए 2 मंथ है, इसके लिए भी 2 मंथ है। दूसरी कंडीशन, नेशनल इमरजेंसी इनफाइनाइट टाइम के लिए लगा सकती है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कितने साल के लिए भी लग सकती है, लेकिन हर 6 महीने में उसका अप्रूवल चाहिए। जैसे वार हो गया, हमें थोड़ी पता वार कितने दिन में खत्म होगा, बाहर की चीज है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो कितने साल के लिए एक्सटेंड हो सकती है, उस टाइम पे इमरजेंसी लगाएंगे तो एक्सटेंड हो सकती है। हर 6 महीने में पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से पार्लियामेंट उसका अप्रूव किए जा रहे, पार्लियामेंट हर 6 महीने में अप्रूव करेगी कि हाँ अगले 6 महीने का एक्सटेंशन और दे दो, अगले 6 महीने का और दे दो। ऐसे ही प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल हमारे देश के अंदर की कंडीशन को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है ना, इसीलिए इसको हमने लिमिट दे दी कि ये मैक्सिमम 3 साल के लिए किया जा सकता है। आप लगा लो प्रेसिडेंट रूल, लेकिन मैक्सिमम 3 साल के लिए, और उसके लिए भी हर 6 महीने में आपको अप्रूवल चाहिए। एक और कंडीशन है, अगर 1 साल से ज्यादा आपको ये प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो दो कंडीशन दी गई हैं। एक कि पूरे देश में कहीं ना कहीं नेशनल इमरजेंसी लगी हो, दूसरी
कि अगर आपको प्रेसिडेंट रूल को कंटिन्यू करना है एक साल के बाद, तो इलेक्शन कमीशन से सर्टिफिकेट ले आओ कि इस स्टेट में नए इलेक्शन नहीं कराए जा सकते, इसीलिए हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर से परमिशन चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन होगी, तभी हम एक साल से ऊपर एक्सटेंड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। क्लियर है चीज है? और इसके लिए ऐसा कुछ नहीं चाहिए, दो महीने में अप्रूवल हो जाए और उसके बाद इनफाइनाइट टाइम के लिए, कोई 6 महीने में अप्रूवल की जरूरत नहीं है, इनफाइनाइट टाइम के लिए रह सकती है। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए इसको लगाने के लिए, इसको लगाने के लिए, बाकियों के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी का गलत यूज किया गया था एक बार, तो हमने सबक लिया, तो इसीलिए नेशनल इमरजेंसी लगानी तो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए पार्लियामेंट से, तभी आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो। अगर ये टेबल आपको एक बार पढ़ लिया, एक बार दिमाग में बैठ गई, तो कोई गलती होने का कोई सवाल ही नहीं होता। बस एक छोटा सा पॉइंट और रह जाता है इसमें कि अगर इमरजेंसी लगा दी तो होगा क्या। नेशनल इमरजेंसी लगा दी तो क्या क्या हो सकता है, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया तो क्या होगा, और फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होगा, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हमें पता होने चाहिए। पहला, जब हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो जो स्टेट लिस्ट है, 7 शेड्यूल पढ़ा था मैंने, क्वेश्चन पूछा था, बता दिया है, लेकिन आपको लिखना है उस टाइम पे कमेंट में, 7 शेड्यूल में स्टेट लिस्ट दी गई है कि स्टेट इन चीजों पर लॉ बना सकता है, तो वो स्टेट का अधिकार है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को भी मिल जाता है। स्टेट तो बना सकती है, लेकिन उसके साथ साथ पार्लियामेंट भी। एक छोटी सी चीज ध्यान रखना, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो स्टेट गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करती रहती है। लेकिन जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो उस टाइम पर वहां की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा दिया जाता है, तो लॉ कौन बनाएगा, तो उसके सारे लॉज पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। जिस भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल है वहां के सारे लॉज पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाएंगे। क्लियर है चीजें? इतना पता लग गया। यहां पर स्टेट तो कहीं गया नहीं है, स्टेट में तो सरकार अभी भी चल रही है नेशनल इमरजेंसी में, तो यहां पर लॉ बनाने की पावर स्टेट के पास तो है ही, साथ के साथ वो पावर यूनियन को भी मिल जाती है उन सब्जेक्ट पे स्टेट लॉज बनाने की जो स्टेट लिस्ट में दिए गए। ये छोटा सा डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट पे इफेक्ट पड़ता है नेशनल इमरजेंसी में, यहां पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहां भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फंडामेंटल राइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट पे इफेक्ट पड़ेगा। कैसे? थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन में समझा दिया, वही चीज यहां लिखी हुई है। लोकसभा को एक्सटेंड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली भी एक्सटेंड हो सकती है? हाँ हो सकती है। कितने साल के लिए? इनफाइनाइट टाइम, जब तक इमरजेंसी है, लेकिन एक बार में एक साल के लिए, उसके बाद भी इमरजेंसी है फिर एक साल का अप्रूवल मिल जाएगा एक्सटेंशन का, लेकिन इमरजेंसी खत्म हो गई उसके बाद मैक्सिमम 6 महीने तक रह सकता है, उसके बाद 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराने जरूरी है अगर लाइफ खत्म हो गई है लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली की तो। और लास्ट है, जब नेशनल इमरजेंसी हो तो स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकती है, यह भी इंपॉर्टेंट है। वहीं पर यहां के भी अगर हम देखें तो यहां पर स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड हो जाता है, डिसॉल्व नहीं होगा। डिसॉल्व कब होगा? जब पार्लियामेंट अप्रूव करेगी। डिसॉल्व के लिए क्या चाहिए? पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, ठीक है, लिख लेना है पॉइंट, ठीक है। फंडामेंटल राइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रेसिडेंट रूल में, यह भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और यहां पे अगर हम कहें, यहां तो स्टेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट बनी रहती है, लेकिन यहां पर अगर हम देखें प्रेसिडेंट रूल के अंदर, तो गवर्नमेंट उस टाइम पे हटा दी जाती है, उस टाइम पे अगर हम कहें तो सस्पेंड कर दिया जाता है, तो उस टाइम पर सारी पावर यूनियन को मिल जाती है, यानी पार्लियामेंट को मिल जाती है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, ठीक है, ये चीजें हमें बतानी चाहिए। और फाइनेंशियल इमरजेंसी में अगर हम देखें, फंडामेंटल राइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेट गवर्नमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ फर्क पड़ता है पैसे वाली चीजों पे। सबकी पेमेंट प्रेसिडेंट चाहे तो कम कर सकता है, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, जजेस की पेमेंट भी कम हो जाती है इस दौरान फाइनेंशियल इमरजेंसी में। कोई भी पैसे से रिलेटेड बिल स्टेट में अगर लेके आना है तो प्रेसिडेंट से अप्रूवल चाहिए, बस ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और एक लास्ट चीज, ये जो लॉ बनाए जाते हैं स्टेट लिस्ट पे, लॉ बना सकता है इमरजेंसी के दौरान, उस लॉ की वैलिडिटी कब तक रहेगी, ये इंपॉर्टेंट है, यहां कंफ्यूजन होता है। तो जब स्टेट काम कर रहा है फिर भी हमने लॉ बना लिया,
सिर्फ इमरजेंसी पीरियड के लिए लॉ बनाया था, क्योंकि वो स्पेशल टाइम के लिए, उस टाइम पे हमें लॉ बनाने की जरूरत होती है, इसलिए हम बना लेते हैं। तो इसीलिए जब इमरजेंसी खत्म तो उस लॉ की भी जरूरत नहीं है, तो 6 महीने के बाद अपने आप ही वो लॉ खत्म हो जाएगा, जो भी स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाया गया है यूनियन के द्वारा। लेकिन यहां पर स्टेट है ही नहीं, इसलिए पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, तो इसलिए लॉ कंटिन्यू रहेगा जब तक कि स्टेट पावर में आने के बाद, जब स्टेट में इलेक्शन हो गए, स्टेट में दोबारा से सरकार आ गई, वो स्टेट चाहे तो उस लॉ के ऊपर कंटिन्यू कर सकती है, नहीं तो एक और पार्लियामेंट से, मतलब अपनी संसद में, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में अप्रूवल लेके उसको खत्म भी कर सकती है, रिपील भी कर सकती है। अदरवाइज अगर उसके ऊपर कुछ नहीं करती है स्टेट गवर्नमेंट, तो वो लॉ कंटिन्यू रहेगा, और स्टेट गवर्नमेंट आके हटाना चाहे तो हटा सकती है। इतनी चीजें ध्यान रखनी चाहिए, अदरवाइज ऑटोमेटिकली तो ये कंटिन्यू रहेगा, ये सिर्फ इमरजेंसी का 6 महीने तक रहेगा, यहां पर बनाया गया लॉ कंटिन्यू रहेगा जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट उसे हटाना दे, और यहां पे तो कोई लॉ बनता ही नहीं, स्टेट लिस्ट के ऊपर कोई लॉ यूनियन नहीं बनाती है। इन टेबल्स को 2 स्लाइड में मैंने पूरी इमरजेंसी को कवर कर लिया है, और इसी 2 टेबल से जब आप रिवाइज करेंगे, जो पूरा चैप्टर जो आपको 1 घंटा लगता है पढ़ने में, 5 मिनट में आप पूरी रिवाइज कर लेंगे अगर इस तरह की टेबल आपने बनाई है। तो आज हमने इतने सारे टॉपिक 2 घंटे से भी कम समय की वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं। इसी तरीके से हम और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 2 से 3 वीडियो में पॉलिटी हमारी खत्म कर देंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे उसमें खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनके साथ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। और आशा कर रहे हैं कि हमारी ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।